हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरीशंकर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। हम लोग बेटा डीसीएम टेस्ट सीरीज का दंगल नंबर 13, जो आपके 15 दंगल होने, उसमें 13 नंबर पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अपन लोग पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, If a vector P makes angle alpha, beta and gamma respectively with x axis, y axis and z axis, then what is the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma? सभी को मालूम है, आप सब लोगों को, कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. Answer is third. तो first ये आ गया हमारे पास answer third. Next question. The angle between the two vector A vector and B vector is theta. Then what is the triple product of A dot B cross A? B cross A क्या होगा? B cross A A के perpendicular होगा. B cross A क्या होगा? A के perpendicular होगा. अब फिर से हमें इसका dot product A के साथ लेना है. तो क्या आएगा? That will be zero. क्योंकि angle क्या हो गया? 90 degree. तो answer will be second. Next question number third. यहाँ पर Planck constant. What is the dimension formula of the Planck constant? Planck constant E is equal to क्या होता है? H nu होता है। H का वैल्यू आपको ML2 T minus 2 और ये H nu का वैल्यू होता है T minus 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? ML2 T minus 1। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। The resistance R is equal to V upon I, the voltage and the current, then what is the error in the R? तो क्या हो गया? Delta R upon R is equal to plus minus delta V upon V plus minus delta I upon I. ठीक है, ऐसे कर दिया। तो ये हमारे पास है 0.5 by 10 plus 0.2 by 10. इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 by 100 आ गया। और percentage में निकालेंगे तो into 100 और कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? That will be 7%. तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन द एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। देखो ये हमारे पास 25 है और ये कितना है? 50 है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सीलरेशन आएगा ये आ जाएगा 10 25, और इसके लिए जो एक्सीलरेशन आएगा ये आ जाएगा 10 50। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया? 10 25 to 10 50। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यहां से देखिए। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद ए वेलोसिटी वी नॉट, इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट h इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट। तो देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है फार्मूला, मींस u प्रोपोर्शनल टू रूट h। तो u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट ऑफ h1 अपॉन रूट ऑफ h2। तो इसको जब हम लोग वैल्यू रखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट 3 V not आ जाएगा। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए बुलेट इज मूविंग विद वेलोसिटी 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट पेनिट्रेट ए वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवर्सिंग 5 सेंटीमीटर इनसाइड इट। व्हाट इज द वेलोसिटी नीडेड फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर इन द सेम ब्लॉक। तो यहां से आप देखिए तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 2as आया, मींस यू वन अपॉन यू टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एस वन अपॉन एस टू का होल स्क्वायर। यू वन हमारे पास क्या बेटा? यू वन है 200, यू टू आपको निकालना है, एस वन कितना है? सॉरी ये स्क्वायर रूट आएगा, नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ एस वन कितना है? एस वन है हमारे पास 4 और ये कितना है? 9। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/3। 2 से इसको कैंसिल करो, आ गया 100। तो यू टू हमारे पास क्या हो गया? देट विल इक्वल टू 300। तो ये आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां से देखिए। ए स्टोन इज थ्रोन विद एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एच इज इक्वल होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2gh। तो हमारे पास u sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया रूट ऑफ 2gh।
आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। वैल्यू रख दो इसका u sin थीटा का, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए प्लंब लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ द कार एंड मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। आपको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स a बाई जी। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 3p एंड 2p इज r। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक ये मान लिया 3p वेक्टर है ये, और ये मान लिया हमारे पास क्या है, ये है 2p वेक्टर, ऐसे मान लेता, ये मान लिया हमारे पास 2p वेक्टर है और ये हमारे पास है 3p वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारे पास है r। अब ये यहां पे क्या कह दिया जाए, इसको डबल कर दें, इसको डबल कर दें, तो ये हो गया 3p और हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया ये 2r के इक्वल हो जाता है। अब रिजल्टेंट क्या हो गया, 2r के इक्वल हो जाता है। अपन को वैल्यू निकालनी है 2p और 3p के बीच, 2p और 3p के बीच आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां से देखिए, आपको यहां से हमारे पास फार्मूला बनाओ तो क्या बनेगा, r स्क्वेयर इज इक्वल टू 3p स्क्वेयर प्लस 2p स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू cos थीटा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ये आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3 × 6 × 12 p स्क्वायर cos थीटा। फिर 3p को डबल कर दिया, तो हमारे पास यहां पर आ गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3p को डबल कर दिया, मतलब क्या कर दिया, 6p का स्क्वायर प्लस ये है 2p स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू cos थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24p स्क्वायर cos थीटा। अब r की वैल्यू यहां पर उठा के आप रख देंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एंगल, आ जाएगा एंगल विल बी इक्वल टू 120। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, एज शोन इन द फिगर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30। यहां पर हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास टी कॉस 30 और ये हमारे पास हो गया टी साइन 30। पहले हमें वेट लेना है, तो कितना आ गया, टी कॉस 30 इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू और टी साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इसको बैलेंस करेगा 30। तो यहां से जो टी आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन आएगा, और यहां से रखो वैल्यू तो 60 × √3/2 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस वन, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। तो आपको ओमेगा निकालना है, तो μmg इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, म्यू बचेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। तो म्यू कितना है, ये है 0.5, जी की वैल्यू 9.8 और ये हमारे पास 10, हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 0.7, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टावर, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड 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 एंड थर्ड सेकंड। वेट mg ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है 1:3:5 का रेशियो होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो रहेगा वही हमारा वर्क डन का रेशियो रहेगा, तो कितना आ जाएगा 1:3:5, आंसर विल बी 3। ये हो गया 13 नंबर। नेक्स्ट बेटा
14 number. A body is moving along a circular path of radius 10 meter and the coefficient of friction, ये हो चुका है, ठीक है, 13 हो चुका. नेक्स्ट आते हैं 14, ठीक है. इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 100% देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर. K अपॉन K2 इज इक्वल टू P, कितना हो गया, P है और ये हमारे पास 100% बढ़ गया, तो K2 हमारे पास क्या आ गया, 4K आ गया. व्हाट इज डेल्टा K हियर? डेल्टा के हो जाएगा आपके पास 4K माइनस K, ये हमारे पास आ गया 3K. अब डेल्टा के अपॉन K इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 300%. सो आंसर विल बी 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं. ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड इज दिस वन. ऐसा मत सोच लेना बेटा कांस्टेंट स्पीड में है तो उसका वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन जीरो होगा, ठीक है. एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, सर्कुलर पाथ में है तो वहां पर एक सेंटीपेटल फोर्स लग रहा होगा, सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन लग रहा होगा. ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. ए इज इक्वल टू आर ओमेगा मतलब हो गया 2π/T का होल स्क्वायर. आर ओमेगा 2π/T, 2π और टी कितना है, 0.2π का होल स्क्वायर. पाई से पाई गया, यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. और आर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5/100 इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया 5 m/s² स्क्वायर. आंसर विल बी 1st. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखो. व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? 2π/T होता है, 86,000/400 ये टाइम पीरियड होता है, तो आंसर विल बी 1st. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? आर सी ओ एम बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आप रखोगे तो M1 हमारे पास है 1, R1 कितना है, ये है बेटा I प्लस 2J प्लस K प्लस M2 कितना है 3 इंटू माइनस 3I माइनस 2J प्लस K ऐसा दिया हुआ है अपॉन मास कितना हो गया 3 and 1/4, ठीक है. इसको सॉल्व करें, हमारे पास आंसर विल बी 2nd, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. ए रॉड ऑफ लेंथ 2L एंड हैविंग मास पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल m, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास? तो बेटा इसका जो मास हुआ वो क्या हो गया, m into 2L हो गया. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml² / 12, ये होता है. तो यहां पे मास तो हो गया m into 2L, ये हो गया मास. और ये लेंथ कितना बेटा 2L है, तो 2L का स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, 2/3 ml³. आंसर विल बी 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. यहां पर देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 100 g स्ट्राइक्स ऑन द बॉल विद ए स्पीड ऑफ 5 m/s एज शोन इन द फिगर एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, द कॉन्टेक्ट टाइम इज दिस वन. देखो हमारे पास ये है, ये पहले मोमेंटम इधर है, अब इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, ये 60 है, मतलब ये 60 है, तो इधर कितना हो गया mv sin 60, इधर होगा mv cos 60, ठीक है. अब ये जब इधर ऐसे जा रहा होगा ऐसे, ठीक है, ये 60 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास mv cos 60, और इधर क्या आ जाएगा mv sin 60, होगा. तो डेल्टा पी हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा पी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 mv sin 60, ठीक है. तो एक मैग्नीट्यूड की बात करें, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 mv sin 60, तो 2m कितना है, m है हमारे पास 100 g, मतलब 100/1000, v कितना है 5, sin 60 वैल्यू √3/2, तो ये है डेल्टा पी. अपॉन डेल्टा टी और कर दें तो यही तो फोर्स हो गया, अपॉन डेल्टा टी कर दें, डेल्टा टी कितना बेटा 2 × 10⁻³,
2 into 10 raised to power minus 3, इससे ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से 50, 250, 250 रूट 3, और किधर की तरफ आएगा, टुवर्ड द लेफ्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का, द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्वड इन इलास्टिक कोलिजन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ द वायर इज गिवन एज एंड पॉइसन्स रेशियो, द लेटरल, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू पॉइसन्स रेशियो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल पूछ रहा है, मीन सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास ये दिया हुआ है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास आ गया आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम, ये और ये क्या दी, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, आर जनरली कॉल्ड रिस्पेक्टिवली। यहां पर ये हमारे पास कहलाता है प्रेशर हेड, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल हेड, और ये कहलाता है वेलोसिटी हेड। आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विद एन एम्पलीट्यूड दिस वन एंड टाइम पीरियड इज दिस वन, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। वी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, ए ओमेगा होता है, क्या होता है, ए ओमेगा होता है, ए इंटू 2π/T। ए कितना है बेटा, ए है 50 मिलीमीटर, 50/1000 इंटू 2π/T कितना है, टी है 2, 2 से 2 काटो, 10 से 0 गया, हमारे पास आ जाएगा 0.15, वैल्यू रख देना पाई का, तो हमारे पास 0.15 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 24, इन द एक्सप्रेशन द बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी हैविंग द डायमेंशन ऑफ पी, वी क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है, वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होता है, इट मीन्स इट इज इक्वल, जस्ट इक्वल टू द एनर्जी। आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 26, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई म्यू, सी हो गया हमारे पास 3 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर निकालना था इसलिए, और यह है 1.5, कितना है, सॉरी 2 दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, तो 2 से इसको काटो तो क्या आ गया, 1.5, तो 1.5 × 10⁻¹⁰ तो 1.5 × 10⁻¹⁰ आपका ये दिया हुआ है, राइट, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेकन थ्रू द साइकिल PQRS, देन व्हाट इज द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन के लिए हमें इसका क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या होगा, यहां से यहां तक कितना हो गया, 200 cc, ठीक है, 10⁻⁶, और किलो पास्कल को पास, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 किलो पास्कल है, तो 200 × 10⁻³ कर दें, ठीक है, तो 1, 2, 3, 6 कितना आ जाएगा, ये 100 आएगा, कितना आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा, 20 जूल आएगा। अब ये चूंकि कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो -20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टू स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन द एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल एफ, द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि मीडियम में हम कोई भी चीज रखें, मतलब दोनों बॉडीज के बीच में अगर कोई भी मीडियम हो तो वहां पर फोर्स के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फोर्सेज विल बी कैपिटल एफ, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, इन ए प्लेनेटरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ द एरियाज, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, 4 point चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, देन द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो सारे चार्जेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे चार्जेस का सम
जीरो होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या आ गया, क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो होने का, तो क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो दिस इज योर 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहां पर थ्री चार्जेस माइनस क्यू वन क्यू टू माइनस क्यू थ्री आर शोन इन द फिगर, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन क्यू वन, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। देखो यहां पर प्रोपोर्शनल टू कह रहा है, इसके इसके बीच में जो फोर्स आएगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा के के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर, और ये इधर की तरफ क्या आएगा, साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इधर की तरफ क्या आएगा, ये इसका और यहां पर क्या रहेगा, फोर्स ऑफ सॉरी, अब यहां पर देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब ये रहेगा हमारे पास, ये फोर्स आया तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा, इधर की तरफ क्या होगा, के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर, ये रहेगा साइन थीटा, ठीक है, और ये माइनस क्यू वन है और ये प्लस क्यू टू है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो सीधा सीधा यहां पर के क्यू वन क्यू टू अपॉन ये बी का स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, ये के क्यू वन तो दोनों में सेम है सेम, तो यहां पर आएगा क्यू टू साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर विल बी थर्ड। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर शोन आर, देखो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो के इक्वल है, इट मींस हमारे पास इस 2 फेरेड का कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया C1 इज इक्वल टू 3 × 6/3+6, ये हो जाएगा हमारे पास 18/9, ये हो जाएगा कितना हो गया, 2 फेरेड, ठीक है, माइक्रोफेरेड। आगे चले, यहां पर ये कितना हो गया, C2 हमारे पास हो गया 4 × 8/12, 32/12, 4 से कट कर लो, 4 × 8, 8/3, ठीक है, अब फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1+C2, क्या आ जाएगा, 2+8/3, कितना हो जाएगा, 14/3 माइक्रोफेरेड, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो बात बेटा समझ में आ गई होगी, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, थ्री रेजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ ट्रायंगुलर शेप, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी 2 वर्टिसेस, आपको ऐसे निकालना है, ये और ये ऐसे कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास है 2, ये है 2, ये है 2, आपको ए और बी इसके क्रॉस निकालना है, तो ये कितना होगा, ये हो गया बेटा 4, ये हो गया 2, अब ये दोनों आ गए पैरेलल में, तो आर ए बी कितना हो गया, 4 × 2/4+2, कितना हो गया 8/6, मतलब क्या आ जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा बेटा 4/3 ओम, आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए, ए पार्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर। तो देखो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरफ है और ऐसे है, तो दोनों में डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, दोनों में डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, तो इस सर्कल की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा
plus mu naught I by 2 pi r. तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 35, लॉरेंट्ज़ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्रॉस ई प्लस वी क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक तो ये आपका सेक्शन ए के 35 जो आपके कंपलसरी वाले क्वेश्चन थे ये हो गए। अब आपके बाकी क्वेश्चन 36 ऑनवर्ड जो होंगे, आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन यू कैन चूज एनी 10 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, ठीक है। ए कॉइल ऑफ एंटर्न्स एंड मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रोटेटिंग विद ए यूनिफॉर्म एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, द इंड्यूस्ड ई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपका आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। तो 36 हो गया। 37, पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है, जब वो रेजोनेंट सर्किट होता है, मैक्सिमम कब होता है, जब वो रेजोनेंट सर्किट होता है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/ ओमेगा सी के इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 1.92 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल विच विल इमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर द रेडियो एक्टिव वेवलेंथ 4100, क्या है बेटा 4100, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कितना है, 12400 बटे ये करीब 4100, ये होता है ना 12400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक दो कितना आ जाएगा, लगभग 3। वर्क फंक्शन कितना होगा बेटा, वर्क फंक्शन यहां पर आएगा 3। तो अब यहां पर ये हमारे पास है मैक्सिमम एनर्जी, ये क्या हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। अब इसमें कितना बात बनेगी, ये हमारे पास आएगा, ये वाला तो बेकार हो गया, यहाँ पर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के अंदर हमारे पास कौन कौन सा है, ए एंड बी, तो आंसर विल बी थर्ड। हाँ बेटा क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 39 में एज पर बोर मॉडल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ डब्ल्यू आयनाइज्ड लिथियम एटम क्या था, इज इक्वल टू 13.6 जेड अपॉन एन होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 13.6 इंटू जेड, मतलब कितना हो गया 3/1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 9 122.9 के आसपास 122.4 ये आएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द गिवन रिएक्शन जेड एक्स ए इज इक्वल टू जेड प्लस वन एक्स पावर ए, ठीक है। और यहां पर तो पहले यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए बीटा, यहां पर क्या आना चाहिए अल्फा, और यहां पर क्या आना चाहिए गामा, तो कितना आ जाएगा बीटा अल्फा और गामा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ये हमारे पास 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, तो देखो 0 0 0 आ रहा, 0 × 1 0 आ रहा, 0 × 1 0 आ रहा, 1 × 1 1 आ रहा, तो ये कौन सा होता है, दिस इज एन एंड गेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। 42, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन सिंस इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल,
ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये हमारे पास। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 43। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6। द वेव लेंथ ऑफ द लाइट इज यूज्ड इज आई। इफ आई जीरो डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी देन व्हाट इज दिस। तो देखो पाथ डिफरेंस दिया है लैम्डा बाय 6, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना होगा बेटा, लैम्डा बाई 6। ये कैंसिल करो, ये 3 आ जाएगा, कितना आ गया बेटा, पाई बाई 3। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I0 द 4I0 cos स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 मान लिया, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 5, हमारे पास है पाई बाई 6, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, मतलब 4I0 इंटू कॉस 30 आ जाएगा। कॉस 30 वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/√3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4I0, ठीक है, इंटू कितना हुआ, यहां से देखिए √3/4, ठीक है। अपने को निकालना है I/I0, तो वैल्यू सॉल्व कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा 43 तो हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू एक्चुअल होता है I मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, राइट। तो हमारे पास ये जो डेल्टा फाई है, फाइ इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या, लेमडा बाई 6 है, तो ये पाई बाई 3 आ गया। फाइ इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 3, तो 5/2 क्या आ गया, 5/2 आ गया हमारे पास पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I0 cos स्क्वायर 5/6, मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 5/6, ठीक है, ये 5/2 की पूरी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया I0 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 45। फॉर व्हाट डिस्टेंस ऑफ द इज द रे ऑप्टिक्स इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द एपर्चर इज 4 मिलीमीटर एंड द वेव लेंथ इज लैम्डा। तो फ्रेशनल डिस्टेंस होती है, ये होता है ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा के इक्वल, तो 4 × 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा कितना है, लैम्डा है 500 × 10⁻⁹, तो कितना आ जाएगा, 16 × 10⁻⁶ आएगा अपॉन, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, मतलब 160/5, मतलब कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी 32 मीटर, 32 मीटर ऑप्शन नंबर 1 विल बी
करेक्ट। 34 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 45 देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ गामा पी एंड प्रेशर वी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या होता है, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, ये होता है ना फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस वन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू द हीलियम एट दिस टेम्परेचर, तो देखो हमारे पास मालूम है ना वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल रूट ऑफ गामा वन अपॉन गामा टू इन टू एम टू अपॉन एम वन, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो वी वन अपॉन वी टू क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ 7/5/5/3/4/28, ठीक है, तो अब अपने पास ये बात बन जाएगी कितना, देट विल बी √3/5, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा √3/25, ठीक है, तो √3/5 आ जाएगा, √3/5 ढूंढो, ये आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज गिवन एज दिस वन, y इज इक्वल टू 10 sin π 0.01x − 2t, देन इट्स फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 10 sin 0.01x πx − 2πt, तो y इज इक्वल होता है a sin kx − ωt, ऐसा होता है kx − ωt होता है, तो यहां से ओमेगा बराबर कितना हो गया 2π, ओमेगा बराबर क्या आ गया बेटा 2π के इक्वल आ गया, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/T होता है इज इक्वल टू 2π, तो टी बराबर क्या आ गया 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 सेकेंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। उसके बाद बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, 48 में देखिए द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 1/√a, 1/√2b, ये साइन ओमेगा टी, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना बेटा, ये है π/2 का, π/2 का मतलब 90, तो यहाँ से जो रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड आएगा r² = क्या आ जाएगा 1/√a² + 1/√b² ये बनेगा हमारे पास 1/a + 1/b, ठीक है, ये हमारे पास आया, तो अब सॉल्व करो बेटा कितना आ जाएगा बोलो, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा √ab और b + a, ये आएगा, तो r = √b + a/ab, तो आ जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द थ्री वेव z1 z2 and z3 एज a sin kx − ωt, साइन दिस वन z = विच वन ऑफ द रिप्रेजेंट द स्टैंडिंग, स्टैंडिंग के लिए क्या होता है कि ये साइन में है तो ये भी साइन में है, डायरेक्शन बस केवल अपोजिट होगी, तो यहां पर ये kx − ωt था, यहां पर क्या हो गया kx + ωt है, तो क्या आ गया बेटा z1 + z2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहां पर कह रहा है ए ट्रेन इज मूविंग एट 30 m/s इन स्टिल एयर, तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वो कितना है, ये है 30 m/s, और वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है ये है 345 m/s, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकोमोटिव व्हीसल इज 5500 हर्ट्ज, एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या बेटा 500 हर्ट्ज है, एंड द स्पीड ऑफ साउंड, द अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द लोकोमोटिव रेस्पेक्टिवली, देखो इन फ्रंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा
v माइनस वी एस अपॉन वी, ठीक है, ओके। अब देखो तो लेमडा डैश इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा, लेमडा वी माइनस वी एस अपॉन एन लेमडा, ये ऐसे रख दें, ठीक है, कितना आया v माइनस वी एस, वी माइनस वी एस कितना हो गया जल्दी से बताओ, v माइनस वी एस 345 माइनस 30 315 आ गया, कितना आ गया 315, और ये फ्रीक्वेंसी कितना है 500 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज है, तो 3.15 अपॉन 5, ठीक है, तो 0.63 आ गया, कितना आ गया 0.63। अब आगे फिर इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड वाले के लिए देखो, बिहाइंड वाले के लिए लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा वी प्लस वी एस अपॉन वी, तो यहां से वी प्लस वी एस अपॉन वी अपॉन लेमडा, वी अपॉन लेमडा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गई एन, तो कितना हो गया 345 में से 30 ऐड करो कितना हो जाएगा 375 अपॉन 500, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.75, यहां देखो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा डैश इज इक्वल टू 3.75 अपॉन 5, 5 × 35 और 5 × 25, तो लेमडा डैश यहां पर कितना हो गया 0.75 मीटर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से बेटा आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो दंगल नंबर 13th आपका हो गया, आपको बेटा सीएलसी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट बहुत शानदार है, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। 12 सितंबर 2021 को पूरा पेपर ठोक के आना है अपने को, ठीक है, ओके बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री, आपके एग्जाम अच्छे जा रहे हैं और तैयारी करें, लास्ट टाइम है एग्जाम से पहले, जितना अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं उतना अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाएं बेटा। आज मैं आपके साथ दंगल 13 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, करें शुरू बेटा। सेक्शन ए में आपके पास क्वेश्चन नंबर है 51, इथाइल साइनाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय सबसिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस गिव्स, एथिल साइनाइड मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ पहले क्रिया करता है और उसके बाद उसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है, क्या कुछ बन सकता है आपके पास है एथाइल साइनाइड और इसमें रिएक्शन करवानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बेटा, तो ये CH3 यहां से यहां अटैक करेगा, इसको रिमूव करेगा, C2H5 CCS3 डबल बॉन्ड एन MgBr। अब इसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाएंगे, इसको यहां से ब्रेक कर दो, यहां पर ऑक्सीजन और यहां दो हाइड्रोजन आएंगे, तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है, CS3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ CS3, ये आपको मिल रहा है ब्यूटेनॉन, क्या मिल रहा है बेटा ब्यूटेनॉन, आंसर क्या आ गया आपका सेकंड आंसर आ गया, क्लियर है ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शुक्रोज, निम्न में से कौन सा कथन शुक्रोज के बारे में सही बता रहा है, शुक्रोज को आपको बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए देखना है, शुक्रोज किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है बेटा, इन दोनों को मिक्स करने से,
इसके अंदर इसका कौन सा कार्बन काम में आता है, C1, और इसका कौन सा कार्बन काम में आता है, C2। C1 और C2 में आपको क्या करना है, एक ग्लाइकोसाइड बंद बनाना है C1 और C2 में। अब आपके पास क्या है, C1 अल्फा OH ऑफ ग्लूकोपाइरेनोज इज लिंक्ड विद C2 बीटा OH ऑफ फ्रक्टोफ्यूरिनोज। सेकंड ऑप्शन है C1 बीटा ऑफ, बीटा तो होता ही नहीं है तो गलत ही हो गया, ये ऑप्शन आपके पास है। इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, सुक्रोज टॉलेन रिएजेंट का रिडक्शन नहीं करता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इट एग्जिबिट्स म्यूटा रोटेशन, ये भी नहीं हो सकता, जो रिड्यूसिंग शुगर हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए डाइजोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद NaNO2 इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में NaNO2 के साथ अभिक्रिया पर डाइजोनियम लवण नहीं बनाता है। डाइजोनियम लवण कौन बनाते हैं बेटा, डाइजोनियम लवण एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अब देखिए यहां पर मेटा मिथाइल एनिलीन, एनिलीन मेटा मिथाइल एनिलीन। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है एन मिथाइल टू मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल टू मिथाइल एनिलीन इसको बोलते हैं बेटा, 4-chloro-2-nitro-aniline, 4-chloro-2-nitro-aniline, 2-nitro-4-chloro, ठीक है। और फोर्थ है पैरा एमिनो एसिटोफिनोन, पैरा अमीनो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन होता है COCS3 और इसके पास यहां पर NH2 अटैच है। देखो यहां पर ये NH2 है बेटा, यहां पर ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, यहां पर ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, यहां पर ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, एरोमेटिक सेकेंडरी हो या एरोमेटिक टर्सरी हो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आप देखें ये सेकेंडरी है, ये कैसा है, सेकेंडरी है। तो आपके पास ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए डाइजोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद NaNO2 इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, द सब्सटेंस विच रिलीव एंजाइटी रिड्यूसेस मेंटल टेंशन एंड इंड्यूस स्लीप आर कॉल्ड। वे पदार्थ जो अवसाद को दूर करते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं और निद्राजनक होते हैं, ऐसे कौन से मेडिसिन होते हैं बेटा, ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं, प्रशांतक होते हैं, ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं बेटा, ऐसे कौन से होते हैं, ट्रांक्विलाइजर्स प्रशांतक होते हैं बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अब देखें इसके अंदर क्या रिएक्शन हो सकती है। OH और NH2 में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसमें होगा, NH2 में। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपको यहां पर OH NH COCS3 मिलेगा बेटा। OH और NH2 में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसमें होता है, NH2 में, इसलिए NH2 इसके अंदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब OH और NH के साथ COCS3 ग्रुप अटैच हो गया बेटा, यानी कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट किसका होगा, OH ग्रुप का। तो रिएक्शन आगे वाली किसके अकॉर्डिंग होगी, OH ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। OH ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पोजिशन तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो यहां पर यह ब्रोमिनेशन कहां पर अटैक कर देगा, OH के रिस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर। बात समझ में आ रही है, पहले तो यह पता होना चाहिए सॉरी इनमें से यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, यह प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको इसमें क्या करना है, यह तो एसिटाइलेशन प्रोसेस हो गया, अब क्या करना है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, OH के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि OH का
प्लस एम इफेक्ट NHCOCH3 से ज्यादा होता है। OH का प्लस एम इफेक्ट NHCOCH3 से ज्यादा होता है। चलो ये भी आ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है बेटा। यहां से रिजल्ट मिलेगा OH Br NH2, कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके पास आना चाहिए बेटा। ये रहा आंसर, क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, OH और NHCOCH3 में से प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा है, OH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, OH ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड नॉट फॉर्म एन इनोलेट आयन, एन आयन ऑफ इनोल फॉर्म, एन आयन ऑफ इनोल फॉर्म, कौन सा क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर इनोलेट आयन नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, यह देखना है। तो जब आप कार्बोनाइल की बात करते हैं, कार्बोनाइल में इनोलेट आयन तब बनेगा जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इनोलेट आयन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है बेटा, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इनोलेट आयन फॉर्मेशन करने वाला है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, इनोलेट आयन फॉर्मेशन करने वाला है, इसमें यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, इनोलेट आयन बनेगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जीरो है बेटा, इनोलेट आयन नहीं बनेगा, इससे भी इनोलेट आयन बन जाएगा, इसका इनोलेट आयन कुछ ऐसा बनेगा बेटा। बेस क्या करेगा, बेस H प्लस को हटा देगा, बेस H प्लस को हटा देगा, ये इनोलेट आयन बन गया, ये क्या है, एनायन ऑफ इनोल, ये इनोल फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म आपके पास, इसका ये एनायन बन गया। तो इनोलेट आयन यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, ये पूछ रहा है वुड नॉट फॉर्म, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, थर्ड रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फिनोल खुद एक इनोल है, फिनोल क्या है, एक इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म का H प्लस रिलीज करोगे तो इनोलेट आयन बन जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, एक 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें पीसीसी एड करना है, 2 डिग्री अल्कोहल में जब आप पीसीसी एड करते हैं तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होने से अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवाएंगे तो एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा बेटा, NOH, सो NCH3, सॉरी NCH3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको रिडक्शन करना है, रिडक्शन किसका होगा, सी डबल बॉन्ड एन का, रिडक्शन किसका होगा बेटा, सी डबल बॉन्ड एन का, जब आप रिडक्शन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा ऐसा, ये पी कंपाउंड आपके पास। अब देखो ये ऑप्शन कहां दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, पहले पीसीसी क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा, CH3 NH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन कौन सी होगी, एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया होगा, तो ये आपके पास आ गया आपके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। अब रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन किसका होगा, सी डबल बॉन्ड एन का रिडक्शन हो जाएगा और यह बनेगा आंसर, क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 आपको दिया हुआ है, CH3 डबल बॉन्ड O, ये दिया हुआ बेटा, इसमें क्या ऐड करना है, NaCN, यानी कि एक्चुअल रिएक्शन किसके साथ हो रही है, साइनाइड आयन के साथ, और ठीक है, तो पहले साइनाइड आयन देख लेते हैं, ये यहां अटैक करेगा और ये यहां से रिमूव हो जाएगा, तो CH3 O नेगेटिव, ये O नेगेटिव क्या करेगा, सॉल्वेंट, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसमें से H प्लस गेन कर लेगा, ये मिलेगा बेटा आपको पास कंपाउंड ए।
अब आपको कंपाउंड ए देखना है, कंपाउंड ए में क्या है, CH3 होल ट्वाइस COH CN। देखो ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, चारों ऑप्शन, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, आगे देखना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस करना है बेटा, क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, साइनाइड का। जब आप साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसा ऑप्शन कहां दिया हुआ है, देखो डबल CH3 होना चाहिए, COH COOH होना चाहिए, डबल CH3 होना चाहिए, CH, ये देखो फर्स्ट आंसर आ रहा है बेटा, CH3 डबल है, COH COOH और COOH आ गया, ऐसा और कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और उसमें एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऐड करेंगे। एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो आपका कंपाउंड ए होगा कीटोन। कंपाउंड ए क्या होगा बेटा, कीटोन होगा, कंपाउंड ए तो मिल गया। अब इसमें आपको क्या मिलाना है, CH3MgI और फिर NH4Cl मिलाना है। तो कीटोन की ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाने के बाद अगर अपन उसमें प्रोटोन ऐड कर देते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है बेटा, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है CH3MgI और सेकेंड नंबर पे इसमें है NH4Cl, 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरह का, ये आंसर होना चाहिए। तो ऐसा आंसर आपको कहां दिया गया है बेटा, ऐसा आंसर आपको थर्ड में दिया गया है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई जेड इन दिस सीरीज, एल्कीन में HBr ऐड करो, X क्या होगा आपके पास, CH3CH2Br, यही तो होगा बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्वस KOH ऐड करो, एक्वस KOH। जब इसमें एक्वस KOH ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, SN2 रिएक्शन हो गई बेटा, ये SN2, ये हो गया Y, क्लियर है। Y इथाइल अल्कोहल है और आप देख पा रहे हैं इसमें ऐड कर रहे हैं Na2CO3 एंड I2, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया बेटा। इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आपके पास आंसर होगा CHI3+HCOONA, आयोडोफॉर्म टेस्ट से प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखना है आपको क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई जेड बेटा, जेड, तो जेड क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा, जेड क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई? पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग करवा दिया, फिर आपने SN2 रिएक्शन करवा के अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल में आयोडोफॉर्म परीक्षण करवा दिया, आयोडोफॉर्म परीक्षण करवाया तो ये प्रोडक्ट बन गया, आपका रिजल्ट आ गया। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज करेक्टली रिगार्डिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड, निम्न कौन सा कथन अम्ल की अम्लता को सही प्रकार से समझा सकता है। देखें, 1 मोल ऑफ एसिड वुड रिक्वायर 4 मोल ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, 4 मोल NaOH के पूर्णतः उदासीकरण के लिए 1 मोल अम्ल की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि SO3H NaOH से रिएक्ट करता है, ये भी NaOH से रिएक्ट करता है और फिनॉल भी NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मोल 4 मोल NaOH को न्यूट्रल कर सकता है, इसका 1 मोल 4 मोल NaOH को न्यूट्रल कर सकता है। ठीक है, तो पहला ए करेक्ट है। फिर उसके बाद देखें, प्रोटॉन लेबल्ड सेकंड विल बी डी प्रोटोनेट फर्स्ट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, प्रोटॉन नामांकित सेकंड उदासीनीकरण के दौरान सर्वप्रथम विप्रोटोनीकरण होगा। सर्वप्रथम विप्रोटोनीकृत डी प्रोटोनेट वो होता है जिसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो, तो इनमें से सबसे स्ट्रांग एसिड ये है बेटा,
ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, सी क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ये गलत हो गया बेटा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। SO3H सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेबल्ड सेकंड इज वीकर एसिडिक, जब ऊपर हमने देखा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वीकर कैसे हो सकता है, तो इसमें ए और बी ही करेक्ट है बेटा, ए और बी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ऑफ C6H10 गिव्स ओनली टू मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, कौन सा संरचना समावेश केवल दो मोनोक्लोरीनिक, देख लेते हैं बेटा इसमें, टू मिथाइल पेंटेन, ठीक है, टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन, थ्री मिथाइल पेंटेन, टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहां पर अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूंगा तो 1 2 3 4 5 5, इसमें 1 2 3, इस केस में 1 2 3 4, और इस केस में 1 and 1 2। यहां पर 5 जगह क्लोरीन अटैच हो सकते हैं, 3 जगह क्लोरीन अटैच हो सकता है, 4 जगह क्लोरीन अटैच हो सकता है, इसमें 2 ही जगह हो सकता है, सिर्फ 2 बताने थे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या करना, समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं बेटा। ये आपके पास यहां तक हो गए, अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ बेटा। हाँ तो बेटा, ये आपके पास अब है सेक्शन बी। आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए, लास्ट टाइम है बेटा ये। ठीक है, अब शुरू करते हैं सेक्शन बी में ऑर्गेनिक पोर्शन। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स रिएक्शन विद HBr, जब आप HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, देखें फर्स्ट में यहां पर कार्बोकैटायन मिलने वाला है, सेकेंड में कुछ ऐसा कार्बोकैटायन मिलेगा, थर्ड में कुछ ऐसा कार्बोकैटायन मिलेगा। अब इनमें से जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है उससे रिलेटेड एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, थर्ड की रिएक्टिविटी। ये कैंसल हो रहा है, ये भी कैंसल हो रहा है, ये भी कैंसल हो रहा है, आंसर क्या निकल के आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बात समझ में आ गई। एल्कीन के साथ HBr दिया है, HX दिया है, HI, HBr, HCl, रिएक्टिविटी पूछी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कंसीडर कर लो, क्या कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड कैन बी इजिली हेट्रोलाइटिकली ब्रोकन, रेट ऑफ हेट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेट ऑफ हेट्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो यहां पर ऐसा कौन सा है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर हेट्रोलाइसिस इजीली हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन आपको बताना है बेटा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इज एंटी एरोमेटिक, क्या ऐसा होता है? ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF, क्या ये एंटी एरोमेटिक है? नहीं, गलत हो गया। पाइरिडीन इज एरोमेटिक, पाइरिडीन इज एरोमेटिक, ये बिल्कुल करेक्ट है, पाइरिडीन एरोमेटिक है। साइक्लोहेक्सेन इज एरोमेटिक, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है। नेफ्थलीन इज नॉन एरोमेटिक, नेफ्थलीन, क्या ये नॉन एरोमेटिक है? नहीं है। आंसर क्या आ गया बेटा आपका? सेकंड आंसर क्या आ गया? सेकंड आंसर आ गया, बात समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, दीज टू आर क्या होंगे बेटा? पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 5 + 3 8 कार्बन, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 + 3 9 कार्बन, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो आइसोमर नहीं होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो आइसोमर नहीं होते हैं, इसका मतलब आपके पास क्या आंसर जाएगा बेटा? फोर्थ आंसर जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब रिएक्शन कैसी है जरा ध्यान से देखो, सोडियम के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, यहां पर फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहां पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इस फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करवा दो, 5-membered रिंग बन जाएगी बेटा, 5-membered रिंग बनेगी और साथ में ये रहेगा, ठीक है। यहां पर ये कंपाउंड आ गया, अब इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन करवानी है सनलाइट की प्रेजेंस, तो 3° कार्बन सूटेबल पोजीशन होगी, 3° कार्बन सूटेबल पोजीशन है बेटा, यहां पर ये पहुंच गया। अब आपको इसमें क्या करना है, एल्कोहलिक KOH ऐड करना है, एलिमिनेशन करना है, एल्कोहलिक KOH का मतलब है एलिमिनेशन कर रहे हो आप, E2 रिएक्शन करवा रहे हो, E2 रिएक्शन, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां पर ये बीटा है, दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ये दोनों बेटा प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, लेकिन यहां पर सेथजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सेथजेफ प्रोडक्ट मोर स्टेबल, ये वाला आंसर आना चाहिए बेटा आपके पास। आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड आंसर कौन सा चला गया बेटा? सेकंड, बात समझ में आ गई। यहां पर आप सोडियम ईथर ऐड कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल इसके रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन से 3° कार्बन सूटेबल पोजीशन है। अब आप एल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन, E2 रिएक्शन, दो प्रोडक्ट होंगे, सेथजेफ प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आप लोग लगे रहो, लास्ट दंगल आपको जीत के आना है, ठीक है। JCLC, थैंक यू। Myself, Dr. D. Raj Rao, Team Chemistry, CLC Sikar, और आज हमारा दंगल का जो फुल सिलेबस है उसमें मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक पार्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, देखो ये इक्वेशन को बैलेंस करना है अपने को, और बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको एक्स वाई और जेड पूछा है, तो देखिए सबसे पहले आप बैलेंस कर लीजिए, CLO4
नेगेटिव कन्वर्ट हो गया आपका सीएलओ माइनस में। तो अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन आपके पास क्या 4 है, इधर 3 है, तो इसके अपोजिट साइड में आप क्या लगाओगे 3H2O, वाटर से बैलेंस कर लो। अब दूसरी साइड में अपोजिट साइड में हाइड्रोजन जोड़ोगे 6+H। अब देखो मीडियम के बेसिक है ये, तो दोनों साइड में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा OH, 6OH इस साइड में और 6OH इस साइड में ऐड कर दो। अब ये मिलके क्या बन जाएगा 6H2O। यहां से आपके पास है, मैं इसको हटा देता हूं, ये हो जाएगा 6H2O। अब 6H2 इधर इधर 3H2 है, तो उधर मेरे पास क्या रह जाएगा ओनली 3H2O प्लस 3H2O, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस कर लो, उधर आपके पास नेगेटिव एक एक, इधर 6, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। ये एक साइड का आपका एक इक्वेशन बैलेंस होगी हाफ सेल, मतलब जैसे हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अपन देख रहे हैं दूसरी हाफ रिएक्शन MnO2 वाली, MnO2 को MnO2 जो कन्वर्ट हो रहा है अपना MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर की तरफ 4, उधर 2, तो अपोजिट साइड में अपन क्या करेंगे, जैसे इधर इस साइड में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, फिर 2 ऐड करेंगे तो इधर अपने को 4H ऐड करने पड़ेंगे, और जितने H ऐड करोगे उतने OH भी ऐड करने पड़ेंगे आपको दोनों साइड में, अब इधर आपने ये जो 4H इधर 4OH, ठीक है, तो अब 4H और OH से आपका 4H2 आ जाएगा, इधर इधर 4H2 और उधर 2, तो उस साइड में मैं क्या लिखूंगा इधर ओनली 2H2 लिखूंगा, ये 2 लिख दिया। अब मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेंगे बच्चों, देखो 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव इधर आ रहे हैं, तो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने पड़ेंगे, देखिए ये सेकंड हाफ रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आपको क्या करो, दोनों को ऐड करना अपने को, तो ऊपर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, नीचे आपको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस इक्वेशन को क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 3 × 2 = 12 हो गए, 3 हो गया, इधर इधर आपके पास हो जाएगा ये 6, फिर यहाँ आपके पास ये 6। अब आप ऐड करोगे ना ओवरऑल दोनों इक्वेशन को, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल देख लो इधर 6 है उधर 3 है, तो उधर आपके पास क्या रह जाएंगे, जैसे देखो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से 3H2। अब आप पास OH देखिए, OH आपके पास इधर 6 है इधर 6 है, तो ये OH यहाँ से हट जाएगा, ये आपके पास है 6OH माइनस आ गया। तो देखो बच्चों ये तो X हो गया 1, ये हो गया Y=3 और ये Z हो गया आपका 6। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी आपके, ठीक है ना। आप पूरा ओवरऑल लिख दो एक साथ मिला करके, तो आंसर हमारा देख लो कौन सा हो गया 1, 3, 6, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, यहां क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड और इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड, सॉरी क्लोरीन बोल रहे हैं, क्लोरीन, ये दोनों को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेटल क्लोराइड का अपने पास वेट के अंदर 74.5, मेटल का इक्विवेलेंट पता नहीं अपने को ई मान लिया, और क्लोरीन का होता है 35.5, इसका क्लोरीन का कितना दे रखा है 35.5 पर वेट दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है, ठीक है बच्चों। तो ई निकाल लो यहां से, तो ई कितना आएगा 39, देख लो चेक कर लो, थर्ड आंसर आ जाएगा आपका।
नेक्स्ट चलते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंट इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, यानी आपको पूछा समान मोलल वाले कौन से जलीय विलीन का हिमांक अधिकतम होगा, ये पूछ रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है आपका कि किस किस में ज्यादा होगा। इक्विमोलल मतलब मोलिलिटी, तो आपके पास क्या है, सेम है, मोलिलिटी सेम आ रही है आपके पास, सॉल्यूशन एक्वस है तो आपके पास है। देखिए वांट ऑफ फैक्टर अपन देखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर जैसे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका बच्चों क्या आएगा, वन आएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, वन। बाकी का देखो वांट ऑफ फैक्टर सबका आएगा, जैसे मान लो ये टू देगा आपके पास, ये फोर आ जाएगा, इसका आपके पास थ्री आ जाएगा, इसका थ्री वांट ऑफ फैक्टर है, इसका वांट ऑफ फैक्टर फोर आ जाएगा आपके पास, इसका टू आ जाएगा, इसका वन, यानी मिनिमम जिसका वांट ऑफ फैक्टर होगा ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उल्टा होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन एटम इन एसिटिक एसिड। तो देखो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3C OOH, ये होता है ठीक है। अब ये कार्बन जो है ना, यहां पर इस पर ऑक्सीजन पर माइनस टू है, इस पर क्या आएगा प्लस टू आ जाएगा। अब यहां पर देखोगे तो ये प्लस वन है तो ये माइनस वन हो गया, और इधर आपके पास क्या आ रहा है सी है तो इसके ऊपर क्या आएगा, इधर फिर माइनस वन आएगा तो इसके ऊपर फिर प्लस वन आ जाएगा। लेकिन अब देखो इस sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इसकी en जो होती है ना बच्चों वो sp3 कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है तो यहां फिर माइनस वन आएगा तो ओवरऑल आपके पास क्या रह जाएगा प्लस टू रह जाएगा। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी, अब देखो रिएक्टेंट साइड में है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, प्रोडक्ट साइड में नहीं है, तो अपन यहां पर रिएक्टेंट साइड में है तो जो स्टेबिलिटी होगी वो के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां क्या देखेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ये देखना पड़ेगा अपने, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है, ये रिएक्टेंट के लिए आ रही है और प्रोडक्ट के लिए आती तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो जिसका के मिनिमम होगा उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू कम किस में आ रही है, फोर्थ में। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ टेंडस फॉर -3m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बच्चों NaCl जो होता है ना वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, वो न्यूट्रल होता है। NaCl क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच क्या होती है, फिक्स होती है 7। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, देखिए MOHX हैज ए KSP ऑफ 4×10⁻¹ एंड इट्स सॉलिबिलिटी इज 10⁻⁶ m, द वैल्यू ऑफ x इज, तो अपने को क्या है x की वैल्यू निकालनी है। इस ये जो आपने पास आयनाइज होता है ना, ये जैसे MOHX जो है आयनाइज होगा हमारे पास, तो एक तो मेटल आ जाएगी आपके पास और एक क्या आ जाएगी आपके पास है, हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लो मेटल पर प्लस x चार्ज आ रहा है और ये है OH माइनस, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, x आ रही है आपके पास, तो सॉल्युबिलिटी अपन क्या लेते हैं, इसकी s ले लेंगे, इसकी क्या ले लेंगे x ले लेंगे, तो KSP निकाल लेंगे बच्चों। KSP क्या होता है, s x s
और फिर पावर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जो कोफिशियंट होता है वो पावर में चला जाता है आपके पास। तो के एस पी आपको गिवन है क्वेश्चन में, 4 × 10⁻¹. ये आपके पास एस, एस भी गिवन है 10⁻³. ठीक है, 10⁻³। ये x फाइंड आउट करना है आपको, और फिर आपको x दे रखा है 10⁻³, ये x है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सीधा वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों, x निकाल लेंगे, x आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, गिवन टू प्रोसेस, दो प्रोसेस दे दिया आपको, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी फॉर्मेशन, PCl5। देखिए PCl5 का 1 मोल चाहिए अपने को। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, PCl5 का 1 मोल फॉर्म करना आपको। तो उसके लिए देखो बच्चों, P4 1/4 प्लस Cl2 5/2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, इसका मतलब अपने को 1/4 चाहिए। तो अपने को फर्स्ट वाले की इक्वेशन की जो एंथैल्पी आ रही है वो हाफ करनी पड़ेगी, -6 3/2 × 2। फिर सेकंड में अपने को क्या करना है, अगली जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो ऐड कर दो आप, क्योंकि ये आपका होगा 3/2 और ये 1 5/2 हो जाएगा, तो ये -137। तो ये ऐड कर लो आप, ओवरऑल आपका ये आ गया ΔHF, हीट ऑफ फॉर्मेशन, -454.5 kJ/mol⁻¹। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सॉलिड स्टेट का ही क्वेश्चन आया है, जो क्या है कि क्रिस्टल सिस्टम आपने पढ़े हुए हैं, ये सिस्टम आपको क्या करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं बच्चों। जैसे यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, ए और बी दोनों इक्वल है, लेकिन सी, ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और यहाँ एंगल जो है अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री आ रहे हैं एंगल आपके। ठीक है, इसका मतलब ये किसके लिए, टेट्रागोनल सिस्टम के लिए, थर्ड इज करेक्ट। अब हेक्सागोनल में तो क्या होता है, आपके पास एंगल जो है 90 नहीं होते सारे। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में भी नहीं होता, रोम्बोहेड्रल, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एनसीईआरटी में टेबल भी बना के दे रखी है ये, उसमें आपको ये ए बी सी में और एक अल्फा बीटा गामा में रिलेशन होता है। तो ये आंसर हमारा टेट्रागोनल, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चों 72, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट ऑफ द मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट अकर्स इन, तो इन एक्टिनॉइड सीरीज, इन लैंथेनॉइड। देखो एक्टिनॉइड में क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सारे सारे क्या है, सारे मैन मेड इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एक्टिनॉइड सीरीज, इन लैंथेनॉइड सीरीज, कॉइनेज मेटल नहीं, तो ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए एस ब्लॉक जो होते हैं, या मैं कहूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स जो होती है ना, वो सारे की सारी क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो इसमें देख लो मैग्नीशियम जो है बच्चों मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सेकेंड आंसर इज करेक्ट। विच
पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये एटॉमिक नंबर तो आपने याद कर ही रखे हैं, तो पता चल जाएगा आपको। देखो 15 आ गया, मतलब पी ब्लॉक हो गया, ये पता चल रहा है आपको। 17 हो गया, हेलोजन फैमिली आ रही है। थर्ड लिथियम का आ रहा है और 12 मैग्नीशियम का आ रहा है, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ आपके पास फिर देखो 6 आ गया, इसलिए गलत हो गया। तो सीधा डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। Which of following is the largest radius? देखो बच्चों ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है जिसमें ई क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो आप ये देखो साइज देख रहे हो, रेडियस जो आयनिक रेडियस होती है वो जेड इफेक्टिव के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जेड इफेक्टिव जो होता है बच्चों, जेड अपॉन ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर ई तो आपके पास क्या हो गए, सेम हो गए, तो जिसका जेड क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। ई तो सेम है आपके पास, ठीक है, तो जेड जिसका मिनिमम होगा और जेड इफेक्टिव जिसका मिनिमम होगा, रेडियस ज्यादा होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, मतलब ओ नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अपन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर रेस्पेक्टिवली गिवन। देखो नाइट्रोजन होता है ना बच्चों, इसका होता है P3 कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन का होता है P4, तो ये होता है हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड होता है, ठीक है ना, और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, तो इसमें क्या होगा, आईपी ज्यादा आएगा, तो पहले का डेटा ज्यादा आएगा, दूसरे का कम आएगा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग द लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो देखिए फर्स्ट जो आपके पास CO2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला लीनियर हो गया, फिर आपके पास एसिटिलीन है, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये भी लीनियर हो गया आपके पास, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, फिर i3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो उसमें इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, i ये लोन पेयर यहां, ये भी लीनियर हो गया आपका, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, फिर आपके पास आता है xcf2, तो जीनोन आपके पास है, तो उसमें भी कंडीशन क्या आ जाएगी, आपके पास लीनियर आ जाएगी, क्योंकि देखो जीनोन में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये हो गया 8 और प्लस 2 10, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसमें भी ऐसे 3 लोन पेयर यहां जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल पर 2 फ्लोरीन आ जाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये भी लीनियर हो गया है, तो ऑल आर लीनियर, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, सेवेंटी 78, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 0 डाइपोल मोमेंट, तो देखो लीनियर जो है ना, अभी ये जैसे डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो वेक्टर होता है ना बच्चों, ये डायरेक्शन इधर जाएगी, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट। SO2 में आप ही देखोगे स्ट्रक्चर ऐसे होती है, बेंड शेप, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल 0। फिर PCl3 का लोन पेयर के कारण 0 नहीं होगा, यहां लोन पेयर आ गया, तो म्यू नॉट इक्वल 0। फिर BCl3 सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में फर्स्ट हो गया और फोर्थ हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स आयन विच इज द
डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक का मतलब एन इक्वल जीरो, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बच्चों देखो NiCN है तो CN नेगेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड होता है आपके पास, तो पेयरिंग करवाएगा ये, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DSP2 होगा इसमें और N क्या होगा जीरो, तो फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा आपका इसका। ऐसे सबका निकाल के देख लो, इसमें सीधा पूछा है डायमैग्नेटिक कौन सा है, तो डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन द AgNO3 इन द एक्सिस इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स CONH3CO5, ठीक है। वार्नर थ्योरी अप्लाई कर दीजिए, जैसे सबसे पहले प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल लिगेंड, इफ रिक्वायर्ड नंबर नॉट अवेलेबल देन सेकेंडरी वैलेंस बिहेव एज ए प्राइमरी वैलेंसी। तो यहां पर बच्चों देखिए सारे सारे न्यूट्रल आ गए आपके पास, तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा CONH3 6 और ये आ जाएंगे Cl3। तो यहां आप जब Ag का सॉल्यूशन रखोगे ना AgNO3, तो इसमें आपके पास 3AgCl के PPT आएगी। फिर आपके पास सेकेंड आपके पास आ रहा है, उसमें CONH3 5 आ गया आपके पास, तो यहां एक क्लोरीन आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो क्लोरीन आ जाएंगे, तो यहां 2AgCl आ जाएगा आपका। फिर आपके पास CONH3 4 आ गए आपके पास, फिर दो क्लोरीन अंदर आ गए, एक क्लोरीन बच गए बाहर, तो 1AgCl PPT में, तो आंसर हो गया बच्चों सेकंड। EN निकालना है आपको, निकाल लीजिए। निकल का कितना हो, देखो एटॉमिक नंबर निकालो, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो Z आपका कितना हो गया बच्चों, EN के लिए ये हो गया, तो निकल है 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो 2 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 34, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, देखिए बच्चों एनायन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो HClO4 का, जैसे इसमें क्या होता है ClO-, ये इस तरह से एनायन में देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, रेजोनेंस आपके पास है, ठीक है ना। उसके बाद में आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे Cl हो गए एक O- आ जाएगा आपके पास, इस तरह की कंडीशन आएगी। इस तरह की कंडीशन, तो ये हमारे पास हो जाएगा HClO 4 3 2, और तो पर क्लोरिक एसिड में से स्ट्रॉन्ग होता है सबसे एनायन, मोस्ट स्टेबल होता है इसका, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें देखो +7 आ रहा है, +5 है, +3 है, +1 है, लेकिन इसमें डायरेक्ट ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, लेकिन फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड इसमें एक्सेप्शन होते हैं, उसमें उल्टा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लुईस बेस, तो लुईस बेस में देखिए पहले मैं फर्स्ट में आपके पास लोन पेयर आ रहा है, देख लो लोन पेयर कंटेनिंग जो स्पीसीज होती है ना उसके कारण लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। CF4 में लोन पेयर है नहीं, SI4 में नहीं है, ना BF4 में है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये बेसिक होगा।
वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड बाय, ठीक है। देखिए आप जब मास की बात करते हो, मास कितना डिपॉजिट होता है, तो मास के लिए आप निकालते हो जेड आई टी, फिर आप जेड की जगह लिख देते हो ई अपॉन 96500 आई इंटू टी, ये तो आपको इक्विवेलेंट के इक्वल डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस। तो देखिए यहां पर तो आपके पास क्या आ गए, 6.2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए ये, तो इस केस में तो आपके पास आ सकता है, यहां पर जो Q की वैल्यू है ना वो 1 हो सकती है। फिर 96500 कूलाम दे दो, 4 दे दो बोले ये दे दो, एक ही बात है, 96500 कूलाम में इतने अपने पास है इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकंड, ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि अपन यहां पर 1 रख देंगे, यहां 1 रख देंगे तो कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट 1 नहीं आ सकता इसका, या मैं कहूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट नहीं हो सकता, तो थर्ड जो अपना इनकरेक्ट आ रहा है, और ये आप 96500 यहां रख दो, वो कैंसिल हो जाए, ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, विच अमोंग द फॉलोइंग अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखिए बच्चों ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है HF, और ये डाइपोल अट्रैक्शन आ जाएगा आपके पास, या फ्लोरीन आ गया या HOH। देखिए यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आ गया। अब ये आपके पास क्या है, आयन है, लेकिन ये Cl2 तो नॉन पोलर हो गया, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये दोनों तो क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए, और ये पोलर है आपके पास, और ये भी पोलर है, पोलर पोलर अट्रैक्शन हो रहा है, फिर एच बॉन्डिंग और हो गई। अब तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। आपका ऑर्गेनिक का है, 87 भी है, 89 भी है, 91 देखें। पर ए गैसेस मिक्सचर कंटेन O2 N2 इन द रेशियो ऑफ 1:4, द वेट द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल का रेशियो निकाल लो, पहले मोल निकाल लो, फिर NaC मल्टीप्लाई कर लो, मॉलिक्यूल का रेशियो आ जाएगा आपके पास। तो देखो बच्चों मॉलिक्यूल तो दोनों में क्या है, डायएटॉमिक है, तो दोनों में मॉलिक्यूल तो वही रहेगा, तो पहले का वेट कितना है, मोल रेशियो निकाल लो आप। जैसे मैं ये कहूं कि मोल O2 अपॉन मोल N2, तो ऊपर वाले का पहले का तो आ जाएगा 1/32 4/28, जो मोल का रेशियो आएगा वही आपका मॉलिक्यूल का रेशियो, मॉलिक्यूल का रेशियो का मतलब आपको NaC मल्टीप्लाई कर लो, NaC मल्टीप्लाई कर लो, तो वो मॉलिक्यूल का रेशियो आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूल O2 और मॉलिक्यूल N2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7:32, थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है। देखो ये n है और ये m है, देखिए हमेशा ध्यान के n जो होता है ना वो ग्रेटर देन l होता है, l का मतलब m, ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि n जो होता है ना, ये n तो l पर डिपेंड होता है, फिर m l पर डिपेंड करता है, तो कभी भी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, देखो ये पॉसिबल नहीं है सेट। बाकी में देख लो सब में n, यहां देख लीजिए 4 है 3 है 5 है 2 है 3 है 2 है, ये ठीक है, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते दोनों, n नॉट इक्वल m। काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछ ली, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, पीवी इक्वल टू क्या होती है, nRT होती है, लेकिन वो एनर्जी की लैंग्वेज में पूछ रहा है आपको, एनर्जी की लैंग्वेज में आप प्रेशर निकालते हो, प्रेशर जो होता है ना पी 1/3 mnC² rms होता है। अब आप इसको क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हो,
और नीचे v भी आता है इसमें, तो ये आ जाता है आपका pv इक्वल टू 2/3e. सेकेंड आंसर इज करेक्ट. सीधा भी याद रख सकते हो आप और डेराइव भी कर सकते हो. हाँ जी बच्चों, 94 नंबर क्वेश्चन. नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर वेशल एट STP व्हेन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1.2. देखो Z आपको दिया है 1.2, ठीक है, और वॉल्यूम दिया है आपको 1 लीटर, प्रेशर भी 1 ATM हो जाएगा आपका, और टेम्परेचर आपका हो जाएगा 273 STP पर. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो होता है आपका PV/nRT. तो पहले मोल निकाल लीजिए, फिर मॉलिक्यूल में जितने भी एन ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन. तो पहले एन इक्वल टू देखो PV/zRT, पी रख लेंगे, पी आ गया 1, वी कितना आ गया 1, जेड 1.2, आर 0.0821 और टेम्परेचर 273. तो ये सोल्व करें तो ये आएगा 0.037. देखो मिलाओ. अब बच्चों अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NA से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.037 इंटू NA. NA का मतलब 0.037 इंटू 6.02 टेंडस पावर, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो ये आपका हो जाएगा 2.23 सेकेंड. सेकेंड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. देखो बच्चों ये आपने याद भी कर रखा है, 3RT/M तो होता है आपका RMS वैल्यू, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एवरेज होता है आपका V एवरेज निकालते हो ना आप, ये होता है आपका 8RT/M. ये फॉर्मूला सीधा याद रखना है. और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT आ जाता है. तीनों फॉर्मूले याद रखो, एक तो याद रखो RMS वैल्यू, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक एवरेज स्पीड. तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, थर्ड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं. अब देखिए बच्चों, ड्यूरिंग द एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस ऑलवेज द VT कांस्टेंट द गैस मस्ट बी. तो अपने को क्या दिया है, VT ये कांस्टेंट दिया है. तो एडियाबेटिक में क्या होता है, पीवी गामा कांस्टेंट, पीवी गामा कांस्टेंट. तो आप क्या करो, अब इन दोनों में रिलेशन निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका टीवी गामा माइनस कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट. मतलब यह है एडियाबेटिक में अपने को रिलेशन दोनों को पता होता है, पीवी गामा कांस्टेंट होता है, टीवी गामा माइनस 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो अब आप वैल्यू रख लो VT 1/γ-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देखो मतलब दोनों में रिलेशन लिखोगे ना, तो VT 1/γ-1 कॉन्स्टेंट आ जाएगा. तो इसका मतलब देखो, ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, ये डिसाइड करेगी आपकी, क्योंकि ये T के अकॉर्डिंग आ रहा है आपके पास. तो 1/γ-1 इक्वल टू 3 आ गया आपके पास. तो यहां से सोल्व करोगे तो गामा कितना आएगा बच्चों, 4/3, और 4/3 किसका होता है, पोली एटोमिक का होता है. थर्ड आंसर इज करेक्ट. ठीक है ना, जैसे डाई एटोमिक का ये नहीं होता है, उसका भी अलग होगा, मोनो एटोमिक का भी अलग मिलेगा आपको, दोनों का अलग अलग आएगा. और आपने याद भी कर रखा होगा मोनो एटोमिक कितना होता है बच्चों, 5/3 होता है, 5/3 ये होता है मोनो एटोमिक का. और डायटोमिक का होता है 7/5 होता है, ये इसका होता है. तो 4/3 जो आएगा वो पॉली एटोमिक का होगा. तो थर्ड आंसर आपका क्लियर हो गया. तो ये पहले इक्वेशन देखो, पीवी इक्वल टू गामा, ये इक्वेशन लिख लो, फिर आपकी इक्वेशन जो है ना वी टी
कि फॉर्म में आना चाहिए, वीटी के फॉर्म में। जितनी भी आपको देखो टी के ऊपर ये जो पावर आ रही है 3, वो इसकी इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट चलते अपन। द हीट ऑफ कंबशन CH4 C2H4, ठीक है, दिस फ्यूल्स इज मोस्ट एफिशिएंट। देखो एक होती है कैलोरीफिक वैल्यू सीवी, वो क्या होती है, हीट ऑफ कंबशन आपने जो लिखा, और फिर नीचे आता मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट जिसका मिनिमम होगा ना, वहां सीवी क्या होगी, जैसे ये मिनिमम तो ये सीवी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन के केस में देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के मोलिकुलर वेट सबसे कम आएगा और हीट ऑफ कंबशन भी सबसे ज्यादा आ जाएगी। अब मोलिकुलर वेट देखो, CH4 का डिवाइड करोगे आप 16 का, इसमें 30 का डिवाइड करोगे तो कम हो जाएगी। तो ये हीट ऑफ कंबशन कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली H2 जो होता है ना, उसको अपन डोमेस्टिक पर्पज में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द pH 10 एट 298 केल्विन। pH 10 चाहिए अपने को। देखो पहला बच्चों गलत हो गया, ये तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, ये इसकी pH क्या होती है 6 और 7 के बीच में मिलेगी, वेरी डाइल्यूट केस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये नहीं हो सकता। अब 10⁻⁴ सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो ये इसका pH 4 है, तो pH कितना है, देखो pOH है ना, आप निकालोगे तो 4 है, तो pH कितना है बच्चों इसका 10 है, तो सेकंड ठीक आ रहा है। फिर आपका 10⁻⁰ है, तो इसका जो pOH निकालोगे आप वो 10 है, तो pH कितना आएगा इसका 4 आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखिए, हाइड्राइड में आपको पता है बेरिलियम का हाइड्राइड, बोरोन का तो डाइमेरिक फॉर्म में होता है, डाइमेरिक फॉर्म, और ये होता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। अपन लेते हैं BeH2N, डाइमर में तो ये सॉलिड में, उसमें वेपर फेज में होता है, और पॉलीमेरिक में सॉलिड फेज में होता है, तो आंसर अपना 4th इज करेक्ट। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू Cr+3। देखो बच्चों Cr2O7 नेगेटिव है, वो कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप +6 है, इधर +3 है, लेकिन यहां 2 के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये है 12, इधर 2 के अकॉर्डिंग देखोगे तो है 6, तो चेंज कितने का है 6 का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का चेंज आ गया आपके पास। तो अपने पास रिडक्शन के लिए रिक्वायर्ड चार्ज पूछा है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों 6 आ गया ना अपने पास, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 96 500 कुलाम ये चार्ज आ जाएगा आपका, ये आपका रिक्वायर्ड जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा चार्ज, तो ये आपका हो गया 4th आंसर इज करेक्ट। तो ये हमारा बच्चों पेपर कंप्लीट होता है, आपका सबका अच्छा ही हुआ होगा दंगल आज का, और अभी हमारे नीट एग्जाम पास में आ रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी बच्चों के अच्छे पेपर हो रहे हैं, और सब लोग बहुत अच्छा सा वर्क कर रहे हैं, और अच्छा पॉजिटिव रहिए अभी 3-4 दिन, ठीक है, और दंगल देते रहिए जब तक लास्ट मतलब एग्जाम से पहले तक, मेंटेन रखना अपने को, और फुल एनर्जेटिक रहना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, लूज नहीं करना बिल्कुल भी, लास्ट मोमेंट तक एकदम अपने को अच्छा सा नीट का एग्जाम दे के आना है, ठीक है बच्चों। ओके थैंक यू, जय CLC। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी। आज हम करने जा रहे हैं दंगल 13 का सॉल्यूशन, जिसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 101, विच एमिनो एसिड इज सब्सटीट्यूटेड इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में सब्सटीट्यूशन जो होता है
यानी जो जीन म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, वो किस में होता है और कहाँ चेंजेस आते हैं। तो इसमें आप देखें, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन इन अल्फा चेन, इनकरेक्ट हो गया, अल्फा चेन में हो ही नहीं सकता बाय ए चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ये सही है, डीएनए के एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है, उसके कारण ही एक एमिनो एसिड जो है वो एक दूसरे से रिप्लेस होता है। क्लियर, वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड इन अल्फा चेन, ये इनकरेक्ट हो गया, अल्फा चेन में नहीं होते ये सारे चेंज जो आएगा वो किसमें आता है, बीटा चेन में चेंज आता है। उसके बाद वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो चेंज होता है वो ग्लूटामिक, क्या दिया हुआ इसमें, वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, तो वैलिन ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस नहीं होकर ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, हो गया। नेक्स्ट आप देखें 102 में स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट व्हाट डज इट शोज, उसमें पेडिग्री चार्ट को आप देखिए और पेडिग्री चार्ट के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी ट्रेट है। तो इसमें देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, पहले तो आप ये पेडिग्री चार्ट के अकॉर्डिंग आप ये देखें कि रिसेसिव ट्रेट है या डोमिनेंट ट्रेट है। इनमें आप देख रहे हो ये फर्स्ट जनरेशन है और उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट, ये यहाँ फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड है। इनके अंदर आप देखिए कि यहाँ दोनों में से एक भी पेरेंट जो है वो इफेक्टेड नहीं है, तो दोनों अनइफेक्टेड है, उसके बाद भी अगली जनरेशन में जो है वो इफेक्टेड प्रोजेनी आ रही है। उसके बाद आप देखें इन दोनों के अंदर भी कोई भी इफेक्टेड नहीं है, उसके बाद भी इफेक्टेड प्रोजेनी आ रही है, इट मींस ट्रेट जो है वो कैसी है, डोमिनेंट या रिसेसिव, रिसेसिव ट्रेट है। अब रिसेसिव ट्रेट में आपको ये देखनी है कि एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड या ऑटोसोमल। वाई लिंक्ड होती है, उसमें तो आपको ध्यान है मेल टू मेल इनहेरिटेंस होती है, तो वाई लिंक्ड नहीं है। उसके बाद आप देखें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कब मानेंगे, जब उसकी इनहेरिटेंस जो है वो क्रिस क्रॉस चल रही हो। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है मेल टू फीमेल, इस तरीके से अगर इनहेरिटेंस हो रही हो तब उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब जो है वो क्या होगा इनमें, एक्स लिंक्ड। और अगर रेंडमली चल रही है तब वो क्या है, ऑटोसोमल। तो इनके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि यहां रिसेसिव ट्रेट का समझ में आ गया। अब वाई लिंक्ड है नहीं, मेल टू मेल प्रोजेनी नहीं हो रही, इनहेरिटेंस नहीं है, क्योंकि यहां मेल में और यहां फीमेल दोनों में आ रही है, यहां दोनों अनइफेक्टेड है, उसके बाद भी इफेक्टेड मेल आ रहा है, तो यहां जो है वो ना तो एक्स, ये वाई लिंक्ड है और ना ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड भी क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिस क्रॉस भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड आ रहे हैं। क्लियर, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो क्या हो गई, ये इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, इनमें से मॉडिफाइड एलील जो होगा जिसको अपने रिसेसिव एलील कह सकते हैं, वो कौन सा एलील पॉसिबल है। पहला द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम, ये करेक्ट है, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम हो सकता है, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम भी हो सकता है, नो एंजाइम एट ऑल, अगर एंजाइम नहीं भी बनाए ये भी पॉसिबल है। तो दो जीन में से एक, जैसे मान लो फैक्टर है कैपिटल टी, दूसरा फैक्टर जो है वो इसमें आ गया ये, अगर कैपिटल टी आ रहा है दूसरा फैक्टर, इट मीन्स इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरह के पॉसिबल है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम जो है वो बना रहा है, या अगर ये कंडीशन है ये कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी है, तो क्या हो रहा है इनमें, ये इनके अंदर जो है वो दो कंडीशंस हो सकती है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या फिर एंजाइम बनाए ही नहीं, तो ये इनके अंदर जो है वो मॉडिफाइड एलील है। ये मॉडिफाइड एलील क्या हो जाता है इनमें, ये रिसेसिव एलील होता है, और जिस एलील में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है वो इसमें डोमिनेंट एलील हो जाता है।
तो दोनों में से ये डोमिनेंट एलील है जिसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, और ये कौन सा हो जाएगा इसका रिसेसिव एलील हो जाएगा। इसका मतलब थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल लेस एफिशियंट एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, नो एंजाइम एट ऑल। इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही इसके लिए करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर? तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है, इसमें है द लेबल, इसमें लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी बाय आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो इनमें ए बी सी डी को आइडेंटिफाई आपको करना है। तो आप देखें ये ए है, वो क्या चीज है यहां, कैलिक्स। ये तो क्या होती है, रीनल पिरामिड की कैलिक्स है। उसके बाद ये आप देखें बी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बी यहां इंडिकेट कर रहा है इसके बीच बीच में। तो ये क्या है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो बी जो है वो इसमें रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी है। और उसके बाद जो है वो सी है, वो क्या इनमें रीनल पिरामिड है, सी है वो रीनल पिरामिड, और डी है वो है इसमें यूरेटर, डी है यूरेटर। तो ए तो कैलिक्स, बी रीनल कॉलम, सी रीनल पिरामिड और डी यूरेटर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर ए कैलिक्स, बी रीनल कॉलम, सी मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड और डी यूरेटर। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ये। क्लियर? तो ये इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट है 105। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनमें से कौन से हार्मोन को कहेंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या होता है इनमें, वैसोप्रेशन हार्मोन जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। क्लियर? तो ये वैसोप्रेशन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी डायूरेटिक या एडीएच हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेशन होता है। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 106। फॉलोइंग आर फिगर्स ऑफ हार्ट इन डिफरेंट एनिमल्स वेयर ए ऑरिकल या एट्रियम वी वेंट्रिकल। तो इनमें से आपको हार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल हो, तो वो क्या होता है, फिश का हार्ट होता है। ये कैसा है, ये इनके अंदर जो है वो टू चैम्बर हार्ट है, टू चैम्बर हार्ट होते हैं फिशेज में। ये थ्री चैम्बर हार्ट जिसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल, थ्री चैम्बर हार्ट एम्फीबिया में। तो करेक्ट आंसर इसमें जो है वो इसके साथ, यानी ये तो किसका हो गया, फिश का हो गया, ये इसमें फिश का होगा। और उसके बाद तो इनमें फर्स्ट जो है वो उसमें होगा फिश का हार्ट, सेकेंड होगा एम्फीबिया जिसमें कितने चैम्बर है, एम्फीबिया वाले में जो है वो थ्री चैम्बर है, टू एट्रियम वन वेंट्रिकल। और उसके बाद जो है वो थर्ड आप देखें, थर्ड में राइट लेफ्ट एट्रियम और राइट लेफ्ट जो है वो वेंट्रिकल है। तो ये इनके अंदर जो है वो वेंट्रिकल में आप देख रहे हो कंप्लीटली सेपरेट जो है वो नहीं है। इसका मतलब जो है वो क्या होना चाहिए, थर्ड रेप्टिलिया का है, और उसके बाद फोर्थ में जो है वो चारों चैम्बर है वो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट है। चारों चैम्बर एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, या तो मेमल्स या फिर रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर का हो सकता है। तो या तो मेमल्स या क्रोकोडाइल एलिगेटर का हो सकता है। क्लियर यहां तक? तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट फिश एम्फीबिया, तो फर्स्ट फिशेज इसमें आ रही है, इसमें रेप्टिलिया आ गया तो ये गलत हो गया, फिशेज बर्ड्स, बर्ड्स आ गया सेकंड पे गलत हो गया, थर्ड में आप देखें फर्स्ट फिशेज, सेकंड एम्फीबिया, थर्ड रेप्टाइल्स, फोर्थ क्रोकोडाइल। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो उसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें आप नेक्स्ट 107। द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द स्टमक ऑफ वर्टिब्रेट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज बाय एचसीएल बिकॉज। ये एचसीएल से डैमेज क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स जो है उसकी कवरिंग क्या होती है, म्यूकोसा लेयर जो है उसको कवर की होती है। तो इसके ऊपर जो है वो म्यूकोसा की कवरिंग होने के कारण ये इसमें उसको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो एपिथेलियल सेल्स
आर कवर्ड विद ए म्यूकोसल सिक्रीशन। तो ये म्यूकोसल सिक्रीशन से कवर्ड होने के कारण ये अपने आप को जो है वो बचा सकती हैं HCl सिक्रीशन से। उसके बाद है नेक्स्ट 108 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड फॉलिकल्स। इनमें से कौन सा थायराइड फॉलिकल से सिक्रीट नहीं हो रहा है। थायराइड ग्लैंड में आपको ध्यान होगा भी थायराइड फॉलिकल्स होती हैं वो T3 एंड T4 हार्मोन सिक्रीट करती हैं। थायराइड फॉलिकल T3 T4 हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो ये ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 ये दोनों फॉलिकल से सिक्रीट होते हैं और थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो इसकी पैराफॉलिकुलर सेल से या सी सेल से सिक्रीट होता है। तो ये इसकी सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट हो रहा है। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल से सिक्रीट नहीं होता है। तो क्या आना चाहिए, नॉट सिक्रेटेड पूछा है तो नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड फॉलिकल तो थायरोकैल्सिटोनिन। क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, थर्ड आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो उसमें 109 है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ कैटेगोलेमाइंस। कैटेगोलेमाइंस ध्यान है भाई आपको क्या होते हैं, कैटेगोलेमाइंस में एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स है। कैटेगोलेमाइंस एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स होते हैं जिनमें एड्रिनलिन हार्मोन एंड नॉरएड्रिनलिन हार्मोन होते हैं। कैटेगोलेमाइंस में एड्रिनल मेडुला के कौन से हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन हार्मोन जो है ये दोनों क्या होते हैं, दोनों एड्रिनल हार्मोन जो मेडुला से सिक्रीट हो रहे हैं वो कैटेगोलेमाइंस है। और कैटेगोलेमाइंस के लिए जो है वो इसमें से कौन सा फंक्शन उसका नहीं होता है। पहला आप देखें इंक्रीज हर्ट बीट एंड पाइलो इरेक्शन, करेक्ट है। पाइलो इरेक्शन भी करवाता है रोंगटे खड़े करना और इंक्रीज हर्ट बीट, हर्ट बीट को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हर्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड पुपिलरी डायलेशन, ये भी सही है क्योंकि डायलेशन भी करवाएगा हर्ट कॉन्ट्रेक्शन भी कराएगा। इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड स्वेटिंग, ये भी इंक्रीज करता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, इसमें इसका रोल नहीं होता है। क्लियर आ तक। तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन ये फंक्शन जो है वो कैटेकोलेमाइंस का नहीं होता है। ये किसका फंक्शन है, ये इनके अंदर जो है वो इसके कोर्टेक्स हार्मोन जो होते हैं कोर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले उनका फंक्शन होता है। क्लियर आ तक। तो ये कोर्टेक्स के हार्मोन्स का फंक्शन होगा जो मेडुलरी हार्मोन का फंक्शन नहीं है, करेक्ट। फोर्थ हो जाएगा इज नॉट फंक्शन, कौन सा इसका फंक्शन नहीं है। तो फोर्थ फंक्शन जो है वो कैटेगोलेमाइंस का या एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन का नहीं है। क्लियर। 110 एज कंपेयर टू ब्लड लिम्फ कंटेंट्स, ब्लड की कंपैरिजन में या ब्लड की तुलना में जो है वो लिम्फ में क्या चीज होती है। तो लिम्फ में ध्यान है भी आपको एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है वो फिल्टर होके नहीं आती, तो प्लाज्मा प्रोटीन है वो फिल्टर होके नहीं आती जो ब्लड में है लेकिन लिम्फ में नहीं है। दूसरा इसके अंदर जो है वो जो प्लाज्मा आ रहा है उस प्लाज्मा के साथ साथ इनके अंदर जो है वो बड़ी नंबर में ल्यूकोसाइट्स आती हैं जिसमें ज्यादा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, क्लियर। लेकिन एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी का फिल्ट्रेशन जो है वो इसमें नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। पहले में दे रखा है मोर प्रोटीन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लिम्फ के अंदर जो है वो प्रोटीन फिल्टर होके आएगी नहीं। लेस प्रोटीन यहां तक सही है, मोर ल्यूकोसाइट चीफली ग्रेनुलोसाइट्स एंड फ्यू एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एक भी नहीं आती, ये सारी की सारी जो है वो वहीं पे रुक जाएगी कैपिलरीज में। लेस प्रोटीन लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स मेनली लिम्फोसाइट्स एंड फ्यू ग्रेनुलोसाइट्स नो एरिथ्रोसाइट्स, ये करेक्ट है, एरिथ्रोसाइट्स नहीं होंगी, कुछ ग्रेनुलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो है उसमें प्रेजेंट होंगी और लार्ज नंबर में ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है लेस प्रोटीन के साथ प्लाज्मा होगा। लेस प्रोटीन सेम नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स मेनली लिम्फोसाइट्स एंड फ्यू एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स बिल्कुल नहीं आती, इसका मतलब करेक्ट आंसर थर्ड जो है वो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 111 मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो
कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मैच कराओगे तो क्या आना चाहिए इनमें? इसके अंदर एंटी इंटरस्टीशियल सेल है। इंटरस्टीशियल सेल जो है वो क्या काम करेगी? इंटरस्टीशियल सेल या लीडिंग सेल का काम होता है एंड्रोजन सीक्रेट करना। उसके साथ ये आ जाएगी मेल जर्म सेल है, उसमें मियोसिस होगी जिससे वो क्या बनाती है? मेल गैमेट या स्पर्म बनाएगी। फिर सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स क्या काम करती है इनमें? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी, तो सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। उसके बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो है उसका लास्ट एंड फिम्ब्री होता है, ओवरी से ओवुलेशन होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैचिंग अगर आप कराएं तो बी ए सी ई डी, बी ए सी ई डी, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ए सी ई डी, तो बी ए सी ई डी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसमें सेकंड आंसर हो गया। इसके बाद आप देखें 112 में दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखें रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के लिए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट आउट क्रॉसिंग, फर्स्ट पे रखा है इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। ये करेक्ट है, इसके लिए इज द ब्रीडिंग किसके बीच? सेम ब्रीड के बीच है जिसके अंदर इनके एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन नहीं हो, ये करेक्ट है। इट इज डन टू इंक्रीज सुपीरियर मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन एनिमल्स, ये भी करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट दोनों है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? नन हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर की में बेटा थोड़ी सी मिस्टेक रही है, आंसर की में इसका फर्स्ट आंसर जो है वो मिस्टेक से दिया हुआ है, करेक्ट आंसर जो है वो इसमें किसका होगा? इसका फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, नन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट देखें 113, चूज करेक्ट इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट देर का स्टेटमेंट लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं होना प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पुअर हेल्थ स्टेस एंड मे स्ट्रेस में ऑल्सो कॉजेज लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी करेक्ट है। ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज ए मैच्योर्ड ग्रेफिन फॉलिकल इज फॉर्म। प्रोलिफरेटिव फेज को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और इसी फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफरेटिव फेज में ही जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल के मैचुरेशन से बन रही है, तो ये फॉलिकल की मैचुरेशन होती है करेक्ट, जिससे वो ग्रेफियन फॉलिकल बना रही है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी है इन फॉलिकुलर फेज एलएच एंड एफएसएच सिक्रीशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, एकदम करेक्ट है। जो लास्ट में आके इसकी फॉलिकुलर फेज के अंदर लास्ट में आके इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, तो ये भी सही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक चल रही होती है मीनार्क से लेकर मीनोपोज तक, तो मीनार्क से मीनोपोज तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होता है उसका? वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है। क्लियर? तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, मींस पांचों स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी ई आर करेक्ट। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 114, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजेकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाई। अगर किसी मेल में ये प्रॉपर जो है वो इजेकुलेशन स्पर्म का इंसेमिनेट जो है वो नहीं कर पा रहा है मेल पार्टनर, या फिर उसमें स्पर्म काउंटिंग कम है, उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्निक है वो इसमें काम में लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर? उसके बाद 115, कैनेबिनोइड्स ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनेबिनोइड्स रिसेप्टर्स, सच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट मेनली इन। तो कैनेबिनोइड जो है वो किस तरह का ग्रुप होता है केमिकल्स का? कैनेबिनोइड जो है वो केमिकल्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर जो
chemicals which interact with cannabinoid receptors. Such receptors are present in, कहाँ होते हैं ये receptors? Brain के अंदर जो है वो cannabinoid के receptor present होंगे. तो correct answer जो है वो क्या आना चाहिए इसमें? इसमें correct answer आ जाएगा brain. यानी CNS जो है उस CNS के अंदर या brain के अंदर इसके receptor present होंगे. तो correct answer जो है वो इसका third होगा. Question number 116. Match the column first with column second. Column first, annelida, tenophora, echinodermata and esculenthes. Next, there can be features. तो इनके features में आपको correct matching करनी है. तो इनमें आप देखें, first, annelida, ring-like body segmentation. तो ये इसके साथ second, tenophora, complaints. Third, echinodermata. Echinodermata में आएगा water vascular system. Fourth, esculenthes, roundworm. First, तो correct क्या आना चाहिए? Second, third, fourth, first. Second, third, fourth, first. पहला option इसके लिए correct option हो जाएगा. Clear? इसके बाद देखें next. 117. The characteristic of class Reptilia are. Reptilia class के लिए characteristic feature क्या होंगे? First, body covered with dry and cornified skin. Scales over the body are epidermal. They do not have external ears. Reptilia के लिए ये correct statement है. तो correct statement जो है वो first ही हो जाएगा. Body covered with moist skin. ये wrong हो गया. Fresh water animals wrong हो गया. Arine animals wrong हो गया. तो क्या होगा? Terrestrial animals होते हैं. First option correct हो जाएगा. Clear? उसके बाद next 118. 118 में देखें. Question, theory of special creation arguments that special creation theory के 3 connotations जो है वो NCERT की बुक में आपके दे रखे हैं. First, connotation, all living organism are created as such, correct है, सारे इसी form में evolve हैं. The diversity was always the same since creation. Creation से लेकर आज तक जो diversity है वो same बनी हुई है, ये भी correct है. Third, Earth is 4000 years old. Earth 4000 वर्ष पूर्व जो है इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन हुई है, ये भी करेक्ट है. वैसे इनकरेक्ट है लेकिन स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट गिवन स्टेटमेंट. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, चारों ही स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद देखें नेक्स्ट 119. Separate the following into homologous and analogous organ. Homologous और analogous organs है, इनको separate करना है, identify करेंगे. तो सबसे पहला देखें आप, sweet potato and potato, eyes of octopus and birds, flippers of penguin and dolphin, heart of different vertebrates, forelimb of whales, bat and cheetah. तो इसमें आप देखें होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो कौन से हैं? फोर्थ और फिफ्थ जो है वो होमोलोगस ऑर्गन है. और ये स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये एनालोगस ऑर्गन, ये एनालोगस ऑर्गन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एनालोगस ऑर्गन, जिनके अंदर ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है. तो आप देख रहे हैं इनमें स्वीट पोटैटो पोटैटो दोनों में एक स्टेम का और एक रूट का मॉडिफिकेशन है. आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड बर्ड्स एनालोगस ऑर्गेन है जिसमें ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम है. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एनालोगस और इन दोनों में ओरिजिन सेम है, इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गेन है. तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर क्या आएगा? होमोलोगस में फोर्थ एंड फिफ्थ, एनालोगस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका. क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 120. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबंडेंस ऑफ सेल्स ऑन डूइंग ए डीएलसी एनालिसिस. डीएलसी एनालिसिस में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट एनालिसिस में जो है वो लार्ज से स्मॉल की तरफ हम देखें नंबर, तो क्या होगा? ग्रेटर टू लेसर नंबर देखें तो क्या सीक्वेंस होगी? सबसे ज्यादा जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, जो 60-65%. उसके बाद लिम्फोसाइट्स 20-25%. तो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल्स है, वो कितनी होती है? तो इनमें एक एक की सीक्वेंस न्यूट्रोफिल
60-65% होती है, और उसके बाद लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट 20-25%, ल्यूकोसाइट इसके सॉरी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट से पहले उसके बाद मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट है वो 6-8%, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसमें इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स ये 2-3% एंड वैसोफिल्स 0.5-1%, ये इसका रेशियो होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स और बैसोफिल्स। तो ये सीक्वेंस आप देखें, फर्स्ट में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 121 EICM contraction causes, EICM जो contraction हो रहे हैं, EICM का मतलब extra, ये इसमें external intercostal muscles, तो internal external intercostal muscles है, इसके contraction से क्या होगा, ribs और sternum है, इनमें upward movement होता है, elevation होता है, जिससे thoracic cavity का volume dorsoventrally increase हो जाता है। clear, तो dorsoventral increase होगा, एलिवेशन ऑफ द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसमें आप देखें ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन, ह्यूमन आरबीसी में सही जो है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन। फर्स्ट, दे कैरी अबाउट 20-25% CO2, करेक्ट है, 20-25% CO2 जो है उसका कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आरबीसी जो है उसका ट्रांसपोर्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट, दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, ये इनकरेक्ट है, कितने परसेंट का करती है, 97% O2 का ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये इसमें परसेंटेज रेशियो इनकरेक्ट हो गया। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड द रेस्ट 20% ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, ये भी इनकरेक्ट है, 97% O2 ऑक्सीमोग्लोबिन की फॉर्म में और 3% जो O2 होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्विंग फॉर्म में होती है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट, दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा, दे कैरी अबाउट 20-25% CO2 इन फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ये कार्ब एमिनो कंपाउंड जो है वो फॉर्म करेंगे। तो ये इसके बाद नेक्स्ट, इफ वी रिमूव ऑल द स्ट्रेच रिसेप्टर फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर के सारे स्ट्रेच रिसेप्टर को रिमूव कर दें तो क्या होगा, मिक्चुरेशन विल स्टॉप, मिक्चुरेशन रुक जाएगा। क्या कॉज होता है इसका, स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो वहां से उसके स्टिमुलस भेजते हैं CNS में, और CNS के जो मोटर सिग्नल आएंगे वो मोटर सिग्नल यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरिथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। क्लियर आ तक। तो वो किसके कारण पॉसिबल है, स्ट्रेच रिसेप्टर के कारण, जब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो जाता है यूरिन से, उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर इसकी इंफॉर्मेशन कहां भेजेंगे, CNS में, और CNS के मोटर सिग्नल है वो मैच्यूरेशन करवाएंगे। क्लियर। तो ये अगर सारे इसमें से रिमूव कर दें क्या होगा, मैच्यूरेशन विल स्टॉप, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि मैच्यूरेशन रुक जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें 124 है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, ह्यूमन में नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो है वो उसमें सिंथेसाइज होते हैं इन लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी, लीवर में बनते हैं लेकिन ज्यादातर जो है उसको एलिमिनेट किससे किया जाता है, ये किडनी से एलिमिनेट होते हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका।
उसके बाद देखें नेक्स्ट 125, ए पर्सन इज वियरिंग स्पेक्टेकल विद ए कॉन्वेक्स लेंस, कोई आदमी कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे का यूज कर रहा है, उसके स्पेक्टेकल को पहन रखा है. व्हेन नॉट यूजिंग द ग्लासेस द इमेज ऑफ ए नियर ऑब्जेक्ट इन हिज केस विल बी फॉर्म. ये आप इसमें देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने पर इसमें जो लाइट रेज फोकस हो रही है वो कहां पे हो रही है, इनमें ये रेटिना पर लाइट रेज फोकस हो रही है, ये लाइट रेज यहां रेटिना पर फोकस हो रही है और ये इनमें रेटिना पर जो है लाइट रेज फोकस हो रही है इसकी. अगर इसमें ये इसका यूज नहीं करे और इसके पास ऑब्जेक्ट को लेके आ जाए, क्या दे रखा है, व्हेन नॉट यूजिंग द ग्लासेस, इस ग्लास को वो यूज नहीं करे, इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इन हिज केस, पहले ऑब्जेक्ट सपोज दैट यहां रखा है, अब ऑब्जेक्ट नियर क्लोजर कर दिया इसके, तो कहां बननी चाहिए, इमेज जो बनेगी वो रेटिना के पीछे बननी चाहिए. क्लियर आ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा इसका, बिहाइंड द रेटिना, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा. उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 126, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इंपल्स थ्रू नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या हुआ है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इंपल्स, एक नर्व इंपल्स में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन चल रहा है, तो ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इंपल्स थ्रू नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, किसके कारण होता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब जो है वो क्या होता है, साइटोन टू एक्सोन की तरफ, इंपल्स का ट्रांसमिशन जो होता है वो साइटोन टू एक्सोन की तरफ ट्रांसमिशन होता है, तो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ही क्यों होता है, बाई डायरेक्शनल क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इंपल्स को एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसमिट करने के लिए वो किससे सीक्रेट होते हैं, वो एक्सोन टर्मिनल से या टीलोडेंड्रिया से रिलीज होते हैं, ना कि डेंड्राइट से. अगर वो डेंड्राइट से रिलीज होते हैं तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल था, समझ आगे, जिससे क्या होता है वो डेंड्राइट्स भी दूसरी नर्व को इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकते थे, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं वो कहां से सीक्रेट हो रहे हैं, टीलोडेंड्रिया से या एक्सोन टर्मिनल से रिलीज होते हैं केवल, इसलिए यूनिडायरेक्शनल है. तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड बाय द एक्सोन एंडिंग एंड नॉट बाय डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट से नहीं होकर एक्सोन के टीलोडेंड्रिया से रिलीज हो रहे हैं, इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. क्लियर? उसके बाद आप देखें 127 इन ए रेंडम मैटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीनोटाइप इज 9%, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ये आप सोल्व करें. उसमें देखें इनके अंदर दिया हुआ है कि यादृच्छिक संगम करती जनसंख्या में प्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति 9% है, इट मींस किसकी वैल्यू दे रखी है, Q स्क्वायर की वैल्यू जो है वो उसने दी है 9%, इट मींस Q रेसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, अंडर रूट नाइन मींस 3 को आप क्या ले सकते हैं, नियर अबाउट, ये पॉइंट 3 मानेंगे इसको, तो एलील फ्रीक्वेंसी रेसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.3 है, तो Q की वैल्यू 0.3 है तो P की वैल्यू 1 माइनस क्यू तो 1 माइनस, इसमें ये इनके अंदर जो है उसकी वैल्यू अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0.3 इट मीन्स 0.7, तो P की वैल्यू 0.7, Q की वैल्यू 0.3, यानी 3% ये इसमें, अब उसके अकॉर्डिंग P की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये पी स्क्वायर डोमिनेंट एलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49, क्लियर, और हेट्रोजाइगस की, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जो है वो क्या होता है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आता है
टू पी क्यू, तो टू इंटू पी की वैल्यू कितनी है 7 इंटू क्यू की वैल्यू 3, तो क्या आनी चाहिए 42%। ये 42% और ये 49%, तो 49% एंड 42% सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें 128 कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन ऑल कोऑर्डिनेट्स विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के जो है वो सारे जो है वो इसके लिए कोऑर्डिनेट के लिए जो है वो कौन से कैरेक्टर है जो विदाउट एक्सेप्शन है, तो विदाउट एक्सेप्शन ट्रू सिलोम। ये विदाउट एक्सेप्शन के है सभी कोऑर्डिनेट्स में जो है वो सिलोम प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेकंड है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल है वो यूरो कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट होती है। क्लियर। उसके बाद आप देखें हीमोग्लोबिन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन की जगह इनके अंदर भी जो यूरो कोऑर्डिनेट है इनके अंदर क्या होता है हेमीकोऑर्डिनेट में यूरो कोऑर्डिनेट में वेनेडियम पिगमेंट होता है, ये भी नहीं हो सकता है। रीनल पोर्टल सिस्टम भी सब में नहीं होता क्योंकि मैमल्स के अंदर ही अगर आप देखें तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो नहीं होता। क्लियर यहां तक। तो सब में होने वाला जो कैरेक्टर है वो कौन सी है, ट्रू सिलोम जो है वो सारे कोऑर्डिनेट्स का कैरेक्टर है, तो विदाउट एक्सेप्शन कैरेक्टर है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखें 129 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट को इसमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने में ए दे रखा है एच जोन फाउंड इन मिड ऑफ आई बैंड, एच जोन जो है वो आई बैंड के मिड में नहीं होता है, कहां होता है ए बैंड के बीच जो है वो एच जोन होता है, तो ये यहां ए बैंड का जो सेंटर है उसमें एच जोन होता है, गलत हो गया। ए बैंड फाउंड इन मिड ऑफ सार्कोमियर, ये करेक्ट है, सार्कोमियर के बीच में ए बैंड होता है और साइड में हाफ आई बैंड फिर हाफ आई बैंड, ये साइड में दोनों तरफ होंगे तो ये सार्कोमियर के बीच में होता है, तो करेक्ट है। आई बैंड डिक्रीज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, ये भी करेक्ट है। डी है लाइट बैंड मेड बाई एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ये भी इनकरेक्ट है। डार्क बैंड के अंदर एक्टिन मायोसिन दोनों फिलामेंट है, लेकिन डार्क बैंड जो ये लाइट बैंड होता है उसमें ओनली एक्टिन फिलामेंट होते हैं, तो लाइट बैंड में ओनली एक्टिन फिलामेंट है इसलिए मायोसिन इसमें नहीं होते, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बी एंड सी, तो बी और सी जो है वो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्लियर। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 130 है थोर्नो बोगेनविलिया प्लांट एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, तो टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा और बोगेनविलिया जो प्लांट है इनके थोर्न्स दोनों की ओरिजिन सेम है, किस किस की, कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स की और बोगेनविलिया के थोर्न्स की, ओरिजिन दोनों की किससे होती है, दोनों एक्सियल बड से ओरिजिनेट होते हैं, तो दोनों की ओरिजिन एक्सियल बड से होती है बट फंक्शन दोनों का सेपरेट है, फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन थोर्नो बोगेनविलिया क्या फंक्शन कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम करेगा, और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स जो है वो इसमें क्लाइंबिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इनको, फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन सेम है तो क्या होगा, होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें 131 फिल ब्लैंक स्पेस, इसमें दिया हुआ है माइन्यूट, इसमें द फिटनेस, फिल ब्लैंक स्पेस द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, किसको फिटनेस माना इन्होंने, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अल्टीमेटली जो है वो इन्होंने वो लिया था, तो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट हैव मोर प्रोजेनी, हैव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, दीज देयरफॉर विल बी सेलेक्टेड बाई नेचुरल सेलेक्शन, सेलेक्टेड बाई नेचुरल सेलेक्शन, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए इसमें, रिप्रोडक्टिव फिटनेस मोर प्रोजेनी एंड नेचुरल
सेलेक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मोर प्रोजेनी एंड नेचुरल सेलेक्शन, सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें 132 है, सेलेक्ट द मेथड ऑफ ब्रीडिंग विच इज यूज टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है, आउट क्रॉसिंग जो है उसके लिए यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा इसका, आउट क्रॉसिंग। 131 विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट में आप देखें फर्स्ट FSH act on the Sertoli cells and stimulate secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis, correct है। FSH जो काम करेगा वो Sertoli cell पे act करता है और क्या करवाता है उससे, spermiogenesis करवाता है। तो first option correct हो गया। Second में आप देखें for normal fertility at least 40% sperms must have normal shape and size and at least 60% of them must show vigorous motility। ये incorrect है, दोनों उल्टे हो गए। ये 60% होता है normal shape and size के और इसका 40% जो है वो होते हैं इसमें जो vigorous motility शो करते हैं। तो ये incorrect हो गया। Cleavage start in zygote ये भी correct है, both first and second। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, इसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्लियर। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट 134 है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो अगर हम देखें तो फर्स्ट है आफ्टर ओविलेशन फर्स्ट टाइम ओवा रिलीज इन सिलोम, ये करेक्ट है। पहले जो ओवा आएगा वो इनफंडिबुलम के अंदर आने से पहले सिलोम में होता है और सिलोम से फिम्ब्री जो है वो उस ओवा को कलेक्ट करती है, क्लियर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इन ह्यूमन स्पॉन्टेनियस ओविलेशन टेक प्लेस इन कंट्रोल बाय LH हार्मोन, ये भी करेक्ट है। ह्यूमन में स्पॉन्टेनियस ओविलेशन होते हैं और स्पॉन्टेनियस ओविलेशन के कारण टेक प्लेस स्पॉन्टेनियस ओविलेशन कंट्रोल बाय LH हार्मोन, ये भी करेक्ट है। LH हार्मोन पीक लेवल इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीक लेवल पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडिल जो वो पीरियड होता है 14th या 15th डे, उस टाइम LH सर्ज होता है, पीक लेवल होता है LH का जिसके कारण से ओव्यूलेशन होता है। ये भी थर्ड भी करेक्ट है। डी एंड प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी करेक्ट है। इट मींस ABCD चारों ही करेक्ट स्टेटमेंट है इसके। तो करेक्ट स्टेटमेंट में चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चारों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, क्लियर। 135 में कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कॉमन कोल्ड जो होता है वो नेजल चैम्बर और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, जबकि निमोनिया जो है वो लंग्स की एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करती है। एल्वियोलाई में फ्लूड फिल हो जाता है वो इनके अंदर निमोनिया होता है, और इसके कॉमन कोल्ड के अंदर जो सिम्टम होते हैं वो ओनली अपर रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही होते हैं, नेजल चैम्बर तक, वहां तक रहेंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो क्या है, निमोनिया इज इन्फेक्टिव डिजीज बट कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, गलत। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन बट कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन, ये भी इनकरेक्ट है। पूछा क्या है, डिफरेंट पूछा, निमोनिया कॉज्ड बाय वायरस, गलत है, बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद है निमोनिया कॉजेज टू एल्वियोलाई इन्फेक्शन वेयर एज कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स एंड एल्वियोलाई, ये करेक्ट है। तो चौथा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर यहां तक। तो ये इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद आप देखें 136 में है मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड की मैचिंग देखें। इसमें आप देखें पहला नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो किसके कारण होती है, बाहर से कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस आ गए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो नेचुरल एक्टिव है, मींस फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये फाइटिंग इन्फेक्शन नेचुरली। तो नेचुरली अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार हो रही है तो वो नेचुरल एक्टिव है। उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होगी
उसमें क्या होता है, एक्टिव और पैसिव का तो पता है, रेडीमेड एंटीबॉडी या प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी, और एंटीजन को इंजेक्ट करने के बाद या एंटीजन इंसर्ट होने के बाद उसमें खुद की बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, तब वो क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? तो इसमें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, वो इनमें से कौन सी होगी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो तैयार की जा रही है, तो ये होगी जिसके अंदर इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम, एंटी सीरम का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है वैक्सीन लगा के, वो आर्टिफिशियल एक्टिव है, इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव का मतलब है तो रेडीमेड एंटीबॉडी लेकिन वो नेचुरली इंसर्ट हो रही है, तब उस कंडीशन में जो है वो क्या है, वो उस कंडीशन में फ्रॉम मदर टू फीटस। तो नेचुरल पैसिव में फ्रॉम मदर टू फीटस, तो ये इनके अंदर जो है वो आप देखें करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एस उसके बाद आर, एस आर टी क्यू, एस आर टी क्यू, एस आर टी क्यू चौथा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, एस आर टी क्यू। क्लियर? उसके बाद आप देखें 137 है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर यूजुअली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, किसमें होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट, साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, थर्ड आंसर जो है उसके लिए करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं लेकिन वो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट होते हैं, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखें 139, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर टीनोफोरा, टीनोफोरा के लिए करेक्ट क्या है, टीनोफोरा में एक तो पहला आप देखें डाइजेशन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, करेक्ट है, डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी है मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, सी में मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, तो ये इनमें इनकरेक्ट है क्योंकि क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, टीनोफोरा बाइसेक्सुअल होंगे जिसमें मेल फीमेल जो होते हैं वो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो है वो एक के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होंगे, इसलिए क्या होगा, ए और बी सही है, सी इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछा इसमें, तो करेक्ट टीनोफोरा के लिए क्या है, ए और बी जो है वो करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। क्लियर? उसके बाद देखें आप नेक्स्ट 140 है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजंस, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजंस विद इचिंग ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर द सिम्टम ऑफ द डिजीज रिंगवर्म, कौन सी डिजीज में होता है ये, रिंगवर्म जो डिजीज होती है, दाद जो है उसके सिम्टम होते हैं ये। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 141 है, ए पर्सन हैज प्रोबेबिलिटी टू सफर ऑफ टिटनेस, किसी आदमी में टिटनेस की प्रोबेबिलिटी है, देन व्हाट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन हिज बॉडी टू इम्यूनाइज हिम फॉर प्रोटेक्शन, अगर किसी आदमी में लोहे की कट लग जाती है या वो किसी चीज से लग जाती है, तो जनरली जो है वो उसको टिटनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको किस तरीके से इम्यूनाइज करेंगे, कैसे इम्यूनाइज करेंगे, उसको एंटी टिटनेस सीरम देकर, एंटी टिटनेस का जो इंजेक्शन लगाया जाता है उससे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर आ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो उसमें सेकंड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखें 142, इफ एम्ब्रियो हैज मोर देन एट सेल्स देन विच मेथड मोर यूजफुल आफ्टर IVF, तो ये इनके अंदर जो है वो अगर एट सेल तक का जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसको इम्प्लांट कर रहे हैं बॉडी में, तब तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, एट सेल तक का अगर वो कर रहे हैं तब तो यूज किया जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ एम्ब्रियो हैज मोर देन एट सेल, एट सेल से ज्यादा का एम्ब्रियो है जिसके अंदर वो मोरूला से आगे की स्टेज में आ चुका है, मोरूला या मोरूला से आगे की स्टेज में आ गया है, उसके बाद उसका ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में नहीं किया जाता,
उसके बाद उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, उस कंडीशन में जब वो 8 सेल से ज्यादा का एम्ब्रियो है उस कंडीशन में उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। और यूट्रस में ट्रांसफर करने का मतलब ही जो है वो क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो क्या कहेंगे इस टेक्निक को, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर। उसके बाद 148 में आप देखें इंटरस्टीशियल सेल्स एंड्रोजन मिसमैच पेयर जो है वो आइडेंटिफाई करना अपने को। तो मिसमैच पेयर के अंदर पहला दे रखा इंटरस्टीशियल सेल्स। इंटरस्टीशियल सेल्स कौन सी होती है, लीडिंग सेल एंड्रोजन सिक्रीट करती है, करेक्ट मैचिंग है। लीडिंग सेल्स लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये इनकरेक्ट है। लीडिंग सेल कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है वो तो क्या होती है, जर्मिनल एपिथीलियम, और लीडिंग सेल जो है वो इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है, ये इंटरस्टीशियल सेल होती है। क्लियर आ तक, तो ये मिसमैच हो गया। सर्टोली सेल्स नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स, करेक्ट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लोइड सेल होती है, ये भी करेक्ट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद बन रही है, इसका मतलब वो कैसी होगी, हैप्लोइड सेल, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो है वो इनमें से मिसमैच कौन सा है, लीडिंग सेल वाला जो है वो मिसमैच है, जिसमें क्या दे रखा है, लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मिसमैच के लिए। क्लियर। उसके बाद आप देखें 144 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो उसको फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट दे रखा है हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें नहीं हो पाएगी हार्ट में। हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई रुकते ही क्या होंगी, वो मसल्स डैमेज हो जाती हैं और हार्ट काम करना बंद कर देता है, वो हार्ट अटैक होता है। तो करेक्ट है। एंजाइना अकर्स इन द मिडिल एज एंड एल्डरली मैन बट नॉट वुमेन। ये मैन वुमेन दोनों में ही पॉसिबल होता है, जो किसी भी एज में हो सकता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट सेकेंड हो गया। थर्ड आप देखें ए कॉन्स्टेंट ब्लड प्रेशर ऑफ 140 टू 90 और हायर शोज हाइपरटेंशन, ये करेक्ट है। लगातार अगर किसी पर्सन में जो है वो आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन मेजर कर रहे हैं और बार बार मेजर करने के बाद भी उसका ब्लड प्रेशर है वो 140 टू 90 मिलीमीटर बाय हाइड्रोजन से ज्यादा आ रहा है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, करेक्ट। थर्ड भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ इन एथेरोस्क्लेरोसिस ल्यूमन ऑफ आर्टरीज बिकम्स नैरोवर, ये भी करेक्ट है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता जाएगा, आर्टरी की जो वॉल होती है उस आर्टरी की वॉल पर अंदर ही अंदर इस पे फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू है, फैट है, ये कैल्शियम है, ये इसमें डिपोजिट होते जाएंगे जिससे इसका ल्यूमन छोटी होती जाएगी। क्लियर। तो इनमें पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकेंड जो है वो स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद है 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब्ड और सेक्रेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन लेबल्ड एज ABCD। तो इसमें आप देख रहे हैं ABCD में ए में दे रखा है पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ए रीअब्सॉर्ब्ड ग्लूकोज एंड NaCl, NaCl का रीअब्सॉर्प्शन जो है वो इसमें नहीं होगा। तो ये आप देखें इसमें पहला देख रहे हैं अब NaCl का रीअब्सॉर्प्शन इसमें नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट। और बाइकार्बोनेट का भी रीअब्सॉर्प्शन जो है वो होता है, यहाँ सिक्रीशन में दे रखा है, गलत हो गया। बी में देखें आप, बी है लूपोफेनले का डिसेंडिंग लिंब, इसके अंदर दे रखा है वाटर रीअब्सॉर्प्शन सोडियम क्लोराइड का सिक्रीशन, ये भी इनकरेक्ट है। वाटर रीअब्सॉर्प्शन सही है लेकिन सोडियम क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन नहीं है। सी लूपोफेनले की असेंडिंग लिंब, इसमें रीअब्सॉर्प्शन सोडियम क्लोराइड का ये सही है और सिक्रीशन वाटर का ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी में NaCl वाटर एंड बाइकार्बोनेट, तो इनके अंदर जो है वो डी में क्या होता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है इनका, इनके अंदर जो है वो वाटर सोडियम आयन क्लोराइड का इनका क्या होता है इनमें कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन जो है वो इसके अंदर होगा।
तो ये सही है। पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होगा, तो ये भी सही है। तो दोनों चीजें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो है वो इसमें सही दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर यहां तक? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 में आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन GFR। GFR को इंक्रीज करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एक तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके GFR को बढ़ा देंगे। रेनिन नहीं करता क्योंकि रेनिन क्या एक एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर रहे हैं। एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? सोडियम आयन का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है जो ब्लड में मिक्स होके और उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और GFR इंक्रीज होगी। तो ये भी सी भी सही है। डी ANF है वो क्या करता है? ANF एट्रियल नेटुरेटिक फैक्टर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से ब्लड का प्रेशर उसमें कम हो जाएगा। कम प्रेशर में GFR कम बनेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ए और सी जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए एंड सी। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट 147 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन रिब्स। ह्यूमन रिब्स के लिए जो है वो उसमें करेक्ट कौन सा होगा? पहला, देयर नंबर इज मोस्टली 24 पेयर्स, गलत हो गई। टोटल 24 होता है, पेयर लगाने के कारण जो है वो ये गलत हो गया क्योंकि 12 पेयर होती है। दे आर बाइसिफेलिक, ये करेक्ट है। दो हेड होते हैं रिब्स के जो इसके डोर्सल साइड में मल्टीपल कॉलम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो बाइसिफेलिक होते हैं, ये करेक्ट है। ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड वेंट्रली टू द वर्टिबल कॉलम। वेंट्रली वर्टिबल कॉलम से नहीं होती, डोर्सली होती है, एंड डोर्सली टू द स्टर्नम, ये उल्टा दे दिया, ये वेंट्रली, ये इसकी जगह ये आएगा और इसकी जगह ये आएगा। डोर्सली वर्टिबल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट होती है, तो ये इसका मतलब इनकरेक्ट हो गया। 7, 8, 9 पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, तो सेवेंथ तक स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, एट्थ और नाइन्थ जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड जो है वो ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। दे आर बाइसिफेलिक, दो हेड होते हैं जो उसको वर्टिकल कॉलम के साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद आप देखें 148, इफ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज एट अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो सिक्रीट होता है वो क्या करता है? नेक्स्ट जो न्यूरोन होती है, एडजेसेंट न्यूरोन, इट मींस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो है वो ये क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा, उसको क्या करता है? पोलराइज से डीपोलराइजेशन करवाएगा उसका। लेकिन अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर को उसको हाइपर पोलराइज कर देगा। ये इनहिबिटरी क्या करता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज कर देता है और हाइपर पोलराइज होने के कारण जो है वो उस मेम्ब्रेन में क्या रहेगा? जैसे ही वो मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाती है, हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन के अंदर क्या कंडीशन आएगी? वो आगे इंपल्स कंडक्शन नहीं कर पाती। क्लियर यहां तक? तो क्या होना चाहिए इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड, इनकरेक्ट। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन गेट्स रीपोलराइज्ड, इनकरेक्ट। Postsynaptic membrane are gets hyperpolarized, correct. The presynaptic membrane get depolarized, incorrect. तो कौन सा हो जाएगा इसमें? थर्ड जो है वो इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? उसके बाद आप देखें 149 है, given below is a diagrammatic representation explaining mechanism of breathing. ये क्या दे रखा है इसमें? ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो इस डायग्राम में क्या बता रहा है, ये एयर इनहेल हो रही है, अंदर की तरफ एयर आ रही है, इसका मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है। तो इसमें दिया हुआ है, इफ एयर एंटर इन लंग्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। लंग्स के अंदर एयर आने के लिए, यानी इट मीन्स इंस्पायरेशन के लिए, इनमें से कौन सी सही
कंडीशन नहीं होगी। पहला है फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स मीन्स रेडियल मसल्स। फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम इज कॉन्ट्रेक्टेड एंड डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, ये इनकरेक्ट हो गया। डायफ्राम इन फ्रेनिक मसल्स के कॉन्ट्रेक्ट होने से फ्लैट होता है, चपटा होता है, इस तरीके से डोम शेप नहीं होता। क्लियर आता है डायफ्राम यहाँ क्या हो रहा है, चपटा फ्लैट हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड में दे रखा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रेक्टेड विच लीड्स टू राइजिंग ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, ये सही है। के कारण जो रेज होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविट इज इंक्रीज्ड, ये भी सही है। बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर नॉट पॉसिबल, ये गलत है। पहला जो है वो पॉसिबल इसके लिए नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही जो है वो क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हमेशा लिंकेज ग्रुप का जो नंबर होता है वो सिंगल होता है। समझ आ रही भी? बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, उन सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर जो लिंकेज ग्रुप है वो लिंकेज ग्रुप के नंबर वन होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, वन इन बोथ, दोनों के अंदर जो है वो वन जो है वो लिंकेज ग्रुप होगा। क्लियर, ओके, थैंक यू, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल मिश्रा, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। जो सीएलसी ने एक नया कॉन्सेप्ट जो आपको दिया था दंगल, उसी क्रम में आज मैं यहाँ जो 13 नंबर का दंगल है या 13वें नंबर का दंगल है वो आज मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं दंगल के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 151, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायनोफ्लैजिलेट्स अंडर गो रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड मेक द सी अपीयर रेड, यानी कि निम्न में से कौन सा डायनोफ्लैजिलेट्स तेजी से वृद्धि करते हुए समुद्र को लाल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना किसकी बात कर रखी है, डायनोफ्लैजिलेट्स की। और डायनोफ्लैजिलेट्स में अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर जो आएगा वो है जिमगोनियोलेक्स एंड जिम्नोडिनियम। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां देखें फर्स्ट ऑप्शन में ये जो युगलीना है ये डायनोफ्लैजिलेट्स का मेंबर नहीं है। अगर हम ट्रिपेनोसोमा की बात करें तो ये भी डायनोफ्लैजिलेट्स का मेंबर नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। युगलीना पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स का मेंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, फोर्थ। नेक्स्ट यहां जो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड 152 क्वेश्चन, देखिए इधर चूज इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की बात करें तो यहां आपको देखिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट देखिए, ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज इन एनिमल्स, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक होती है। तो ये ऑप्शन अगर मैं कहूं स्टेटमेंट राइट है, बट हमें कौन सा देखना है, ध्यान रखना इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड देखिए, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल राइट है, यानी कि एक बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती है एक लिविंग बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को हम किसमें काउंट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में। तो ये राइट स्टेटमेंट है बट हमें इनकरेक्ट देखना है। थर्ड देखिए, ऑल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर केपेबल इन रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रखा है, और कभी भी नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो इनकरेक्ट हमें देखना था और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हुआ, थर्ड नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी सजीवों के जो लक्षणों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सभी निर्जीव प्रजनन करने में सक्षम है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो यहां डिस्कस करेंगे 153 क्वेश्चन, तो 153 क्वेश्चन में देखिए, व्हीट एंड राइस इंक्लूड इन मोनोकॉट्स एंड ऑल मोनोकॉट्स आर इंक्लूड इन प्लांट्स, यहां आपको ये सीक्वेंस दे रखा है,
यानी कि व्हीट एंड राइस। ये जो व्हीट एंड राइस है इनको किसमें इंक्लूड किया गया है? एक हायर कैटेगरी मोनोकॉट में, और मोनोकॉट्स को एक हायर कैटेगरी प्लांट्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहला देखिए, टैक्सा विद सेम रैंक, आप यहां देख रहे हो ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी, यानी कि तीन कैटेगरी है लेकिन कंबाइंड फॉर्म में, सम्मिलित रूप से हम इसको क्या बोलेंगे? टैक्सा। ठीक है, तो टैक्सा विद सेम रैंक, आप क्लियर देख रहे हो कि सेम रैंक पे नहीं है, अलग अलग है। व्हीट और राइस ये सबसे लोअर कैटेगरी है, यहाँ सबसे लोअर रैंक है, इससे ऊपर मोनोकॉट ये और हायर रैंक है, और सबसे हायर रैंक कौन सी है? प्लांट। तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हुआ। सेकंड बात करते हैं, टैक्सा विदाउट रैंक, ये गलत है। अगर ये विदाउट रैंक होते तो ये सेम लेवल पर होते, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। टैक्सा विद डिफरेंट रैंक्स, बिल्कुल राइट है, आप देख रहे हो यहाँ तीनों अलग अलग कैटेगरी थी और तीनों कैसे थे? अलग अलग रैंक पर थे। तो इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड, टैक्सा विद डिफरेंट रैंक, यानी विभिन्न श्रेणियों के साथ वर्गक। अब यहां 154 देखिए, सिलेक्ट द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म मे रिप्रेजेंट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें से हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी ई, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या जो किंगडम है उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। तो पहला देखिए मोनेरा, हम मोनेरा की अगर बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा, इसमें भी ऑटोट्रॉपिक होता है। फंजाई, ये रॉन्ग है, क्योंकि फंजाई ऑल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और एनिमल में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो ए बी एंड डी, सेकेंड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज, यानी कि इसमें से आप कौन से कैरेक्टर चूज करोगे? सबसे पहला देखिए, अगर हमें एल्गी का क्लासिफिकेशन करना है तो इस एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए जो सबसे करेक्ट जो हम उसका कैरेक्टर लेते हैं वो है टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल। ध्यान रखना, क्या लेते हैं हम? टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। तो इसमें आंसर क्या आएगा? सेकंड, कोशिका में उपस्थित वर्णकों के प्रकार। नेक्स्ट हम यहां जो देखते हैं वो है 156 नंबर का क्वेश्चन, सिलेक्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि इसमें से आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपको राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहां आपको दे रखा है मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन जिम्नोस्पर्म, यानी कि बिल्कुल राइट स्टेटमेंट दे रखा है ये कि जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करें तो जो गैमिटोफिटिक स्टेज है, चाहे हम मेल गैमिटोफाइट की बात करें चाहे हम फीमेल गैमिटोफाइट की बात करें, बोथ आर, जो बोथ स्टेज होती है मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट, वो कभी भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शो नहीं करती है, वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, साइकस प्लांट है पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड परसिस्टेंट लीफ बेस, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। अगर हम साइकस प्लांट की बात करें तो साइकस प्लांट में पिन्नेट कंपाउंड लीव्स होती हैं, और जब ये लीव्स हटती हैं तो लीफ का स्कार, यानी कि जो परसिस्टेंट लीफ बेस होता है वो साइकस के स्टेम पर प्रेजेंट रहता है। थर्ड सी स्टेटमेंट देखिए, इसमें साइकस प्लांट हैव सिम्बायोसिस रिलेशनशिप विथ फंगस फॉर मिनरल एब्जॉर्प्शन, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम साइकस प्लांट की बात करें तो साइकस प्लांट के अंदर कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं और वहां जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो बीजीए के साथ होता है, ठीक है, फंगस के साथ नहीं होता। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना साइकस का कभी भी यहां कवक के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट देखिए, टेरिडोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट
गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज, बिल्कुल राइट है। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स वस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें लीव्स रूट्स एंड स्टेम प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से ये फ्री लिविंग, इनका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है। लेकिन अगर हम गैमिटोफाइट की बात करें तो गैमिटोफाइट लाइक प्रोथेलस, वो भी कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। ई स्टेटमेंट देखिए, मैक्सिमम डेवलप्ड गैमिटोफाइट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, ये भी राइट है, क्योंकि अगर हम गैमिटोफाइट की बात करें तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें जो गैमिटोफाइट होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, मोर डेवलप्ड होता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट, ए बी डी एंड ई आर राइट स्टेटमेंट। अब यहां हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 157 क्वेश्चन, मैच द कॉलम। अब देखिए यहां आपको कुछ कॉलम दे रखे हैं जिसे हमें मैच कराना है, तो फर्स्ट देखिए, अगर हम देखें ए में आपको दे रखा है स्प्रिंग बोर्ड, इसमें आपको क्या दे रखा है, स्प्रिंग बोर्ड। और अगर हम स्प्रिंग बोर्ड की बात करें तो ये कब फॉर्म होती है, स्प्रिंग सीजन में फॉर्म होती है, जिस टाइम पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में या थोड़ा सा हायर होता है एज कंपेयर टू ऑटम, ठीक है। तो स्प्रिंग बोर्ड में जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो जो वस्कुलर कैम्बियम होती है, वस्कुलर कैम्बियम रिंग, वो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट ग्रोथ करती है, और तेजी से जब वो ग्रोथ करती है तो इस केस में वेसल्स जो बनते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स यहां फॉर्म होते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, लार्जर नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट यहां फॉर्म होंगे, ये जो एलिमेंट फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, लाइटर कलर होंगे, प्लस इनकी डेंसिटी कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो कैविटी होगी जाइलम के अंदर, वो कैविटी कैसी होगी, लार्ज होगी, तो विथ वाइडर कैविटी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, बाकी जो बचे हैं वो किसके साथ आएंगे, ऑटम, यानी कि जो ऑटम बोर्ड है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, और इसके अलावा वो जो बुड बनती है वो डार्कर कलर होती है, इसके अलावा इसमें लेसर नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट बनते हैं, क्योंकि ऑटम जो सीजन होता है वहां टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है जिसकी वजह से कैम्बियम एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। नेक्स्ट 158 में देखिए, द फंक्शन बाय बुलीफॉर्म सेल इज टू, यानी कि जो आवर्ध त्वक कोशिकाएं होती हैं उनके कार्यों के बारे में हमें बताना है। अगर हम मोनोकॉट लीफ, स्पेशली अगर हम बात करें खासकर, तो इसमें ग्रास आते हैं, तो ग्रास लीफ में अगर हम अपर, जो अपर सरफेस होती है उस पर देखें, कुछ स्पेसिफिक स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं वो लार्ज और एम्प्टी सेल्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब लेकिन यहां बात कर रखा है बुलीफॉर्म सेल के फंक्शन की, ये यहां जो कैरेक्टर दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, ये जो उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रखी है, लेकिन ध्यान रखना हमें बात किसके करना है, फंक्शंस की। तो यहां जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं जब उनके अंदर वाटर इंक्लूड अंदर इंटर कर जाता है तो वो टर्जिड हो जाती हैं, और जब टर्जिड हो जाती हैं तो लीफ की जो सरफेस होती है वो लाइट के लिए एक्सपोज्ड हो जाती है, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वाटर लॉस ज्यादा होता है तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं उनसे वाटर लॉस हो जाता है, सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं और लीफ की सरफेस कर्ल हो जाती है, इस केस में जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं 159 नंबर क्वेश्चन, ट्रेकीड वेसल्स एंड स्क्लेरिड आर सिमिलर इन दैट दे ऑल। अब देखिए यहां वाहिनिका, वाहिका व स्क्लेरिड समान होते हैं, यानी कि इनकी सिमिलरिटी की बात कर रखी है और ये समान है, तो देखिए किस बेस पर तीनों समान है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए लेक सेकेंडरी सेल वॉल, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ट्रेकीड वेसल्स और स्क्लेरिड तीनों में ही सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन देखिए कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, रॉन्ग, क्योंकि ट्रेकीड्स
एंड वेसल्स तो वाटर का कंडक्शन करते हैं लेकिन स्केलेटल जो सेल्स हैं वो वाटर का कंडक्शन नहीं करती यहां, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, फंक्शंस व्हेन डेड, ये राइट ऑप्शन है क्योंकि अगर हम चाहे ट्रेकिड्स की बात करें, वेसल्स की बात करें और स्केलेटल की तीनों ही कैसी सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, लेकिन इनिशियल जब ये बनती हैं उस समय ये लिविंग कंडीशन में होती हैं, लेकिन जब इन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस टाइम पर ये डेड हो जाती हैं और डेड होने के बाद ही अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना वाहिनी का, वाहिका और स्केलेटल कैसी हैं, ये एक ही मामले में समान है, जब ये कार्य करती हैं तब ये कैसी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 160 क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्ग अबाउट द गार्ड सेल, यानी कि गार्ड सेल के बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो देखिए इधर, सबसे पहला दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, ध्यान रखना गार्ड सेल्स जो होती हैं वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है बल्कि किसका पार्ट है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन कैसा हो गया, रॉन्ग। सेकंड देखिए, दे आर क्लोरोफिल्लस, बिल्कुल राइट है, क्लोरोफिल्लस का मतलब है ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये राइट है। थर्ड भी देख लीजिए, इट आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज हाईली थिकन्ड, बिल्कुल राइट है। अगर हम गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल्स में इनकी इनर वॉल का मतलब है ऐसी वॉल जो कहां प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर के पास में प्रेजेंट है, इस वॉल को हम बोलते हैं इनर वॉल। इनर वॉल कैसी होती है, हाईली थिक होती है, जबकि आउटर, इस पोर से आउटर साइड या जो दूर प्रेजेंट होती है वो वॉल कैसी होती है, ये थिन होती है। ठीक है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। दे फोर्थ देखिए, दे रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट फॉर ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट यहां दे रखा है। ये जो स्टोमेटा यानी ये गार्ड सेल्स जो होती हैं वो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करती हैं, यानी कि जब ये इन जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर वाटर इंटर कर जाता है, तब वाटर इंटर करने के बाद जैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें तो ये क्लोज है अभी स्टोमेटा, तो इस केस में अगर वाटर इस गार्ड सेल्स के अंदर इंटर करेगा तो इंटर करने से क्या होगा, ये सेल्स फ्लैसिड, ये टर्जिड होना स्टार्ट होंगी, और जब टर्जिड होंगी तो ये स्टोमेटा कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जब वाटर यहां से लॉस हो जाएगा तो इस केस में ये वापस कैसे हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान रखना स्टोमेटा मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो अब यहां रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट 161 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस, अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस की बात की है, ध्यान रखना यानी कि भूमिगत तने का रूपांतरण। तो यहां फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कोलोकेशिया पोटेटो साइनोडॉन, अब ध्यान रखना ये जो साइनोडॉन डैक्टिलियन यानी कि जो दूब घास है, इस दूब घास के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो इस केस में पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड देखिए, जमीकंद पोटैटो जिंजर एंड रस्कस, यहां क्या आ गया, रस्कस के बारे में पूछ लिया, जबकि रस्कस के अंदर स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो एरियल मॉडिफिकेशन होता है, तो ये भी कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, जमीकंद कोलोकेशिया पोटैटो टर्मरिक, इसमें चारों के चारों ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का, तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। थर्ड और फोर्थ में आप देख रहे हो यहाँ ओपन सिया दे रखा है, जबकि ओपन सिया कैसा है, इसमें एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ध्यान रखना करेक्ट आंसर इज थर्ड, जमीकंद अरबी आलू और हल्दी। नेक्स्ट 162, प्लांट कंटेन वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ एंड्रोसियम विद इन द देयर फ्लावर, यानी कि एक जो पादप है उसके पुष्प में अगर हम बात करें तो पुष्प के अंदर जो एंड्रोसियम या नेक्स्ट 162 क्वेश्चन, प्लांट कंटेन वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ एंड्रोसियम विथ इन देयर फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम की जो फिलामेंट है उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है,
तो अगर हम इस केस की बात करें तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायनामस कंडीशन। क्या बोलते हैं? डायनामस कंडीशन। अब ये जो डायनामस कंडीशन है ये भी टू टाइप्स का होता है। अगर हम देखें एक तो होता है डाई डायनामस कंडीशन, और दूसरा होता है टेट्रा डायनामस कंडीशन। तो ये जो डाई डायनामस है ये कंडीशन प्रेजेंट होती है साल्विया के अंदर, और टेट्रा डायनामस कंडीशन प्रेजेंट होती है मस्टर्ड प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना साल्विया और मस्टर्ड में आप जब देखोगे तो कुछ स्टेमेंस शॉर्ट होंगे यानी कि उनकी लंबाई कम होगी, लेकिन कुछ स्टेमेंस जो होंगे वो लंबाई कैसी होगी उनकी अधिक होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें अगर हम आंसर देखें कौन सा आ जाएगा, फोर्थ साल्विया एंड मस्टर्ड या सरसों तथा साल्विया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 164 नंबर क्वेश्चंस की। अगर हम 164 में देखें तो यहां बोल रखा है आपको अ न्यूक्लियर पोर अलाउज, यानी कि ये जो न्यूक्लियर पोर है उसका फंक्शन यहां बोल रखा है। तो देखिए ये क्या अलाउ करता है, तो पहला देखिए ऑप्शन प्रोटीन मूवमेंट ओनली। अब देखिए यहां मैं आपको बता दूं ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहां मैंने एक सिंगल पोर यहां आपको शो कर रखा है। ठीक है, अब देखिए यहां आपको पता है जो डीएनए होता है उस डीएनए से क्या बनता है आरएनए, और यही आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में आता है। तो आप देख रहे हो इस न्यूक्लियर पोर से क्या मूव कर रहा है आरएनए, तो एक कंटेंट तो हो गया आरएनए मूव करता है। अब इस साइटोप्लाज्म में इस एमआरएनए से यहां प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन, और ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से मूव करती है कहां, न्यूक्लियस के अंदर थ्रू, ये किससे होकर जा रही है न्यूक्लियर पोर से। तो ध्यान रखना न्यूक्लियर पोर से आरएनए और प्रोटीन दोनों का ही मूवमेंट होता है। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आरएनए तथा प्रोटीन जो केंद्रकीय छिद्र से होकर मूव करते हैं। नेक्स्ट 165 क्वेश्चन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स अक्रॉस। ठीक है, यहां हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहां सुसाध्य विसरण की पहला ऑप्शन देखिए, व्हेन नॉन पोलर सॉल्यूट मूव अकॉर्डिंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ध्यान रखना अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है थ्रू प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना प्रोटीन के थ्रू, लेकिन यहां फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है नॉन पोलर। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है, और जब इजीली क्रॉस कर सकता है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये रॉन्ग है, ध्यान रखना अध्रुवीय विलय दे रखा है तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए, व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉल्यूट मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पहली बात तो इसमें नॉन पोलर दे दिया और दूसरा इसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, व्हेन पोलर सॉल्यूट मूव अकॉर्डिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के साथ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा थर्ड। ठीक है, यहां भी ध्यान रखना अगेंस्ट दे दिया इसलिए फोर्थ ऑप्शन कैसा हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं 166 क्वेश्चन, वॉट इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या है। अब आपको पता है ये तीनों क्या है प्लास्टिड है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में तो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होते, ये कलरलेस होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड देखिए, पजेशन ऑफ थाइलेकोइड एंड ग्रेना,
ये भी रॉन्ग है। क्यों? अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के केस में बात करेंगे तो यहां पर ये जो थाइलेकोइड्स हैं, ग्रेना है, ये नहीं होते, ठीक है। तो इस केस में ये भी कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, स्टोरेज ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड लिपिड। अगर हम स्टार्च प्रोटीन एंड लिपिड के स्टोरेज की बात करें तो वो कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरो और क्रोमो ये काम नहीं करते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखिए, इसमें एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय अ फिजन लाइक प्रोसेस, ये बिल्कुल राइट है। अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड मल्टीप्लाई या उनका जो गुणन होता है वो कैसे होता है? पहले से प्रेजेंट जो प्लास्टिड होता है उसमें फिजन प्रोसेस होती है और फिजन के बाद ये कितने टू प्लास्टिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। विखंडन जैसी प्रक्रिया के द्वारा जब ये गुणन करते हैं तो ये तीनों प्लास्टिड के लिए समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 167 क्वेश्चन। लिंकर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियोसोम एज। अब देखिए, अगर हम लिंकर प्रोटीन की बात करें, आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल में पढ़ रखा है, अगर हम न्यूक्लियोसोम में देखें तो एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप कंडीशन में रहता है, ठीक है। और जब ये रैप होता है तो यहां पर इस डीएनए को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए एक लिंकर प्रोटीन लगती है, और वो लिंकर प्रोटीन कौन सी है? H1 प्रोटीन, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिंकर प्रोटीन का नाम क्या है यहां? H1। तो आंसर क्या हो गया? 167 का फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। अ टेट्राड कंसिस्ट ऑफ, यहां आपको टेट्राड के बारे में बोल रखा है, और ऑप्शन में देखिए, पहला 4 नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड, ठीक है। अब देखिए, अगर हम टेट्राड की बात करें तो टेट्राड में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक ये है, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और इन होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड, और इस क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे ये दोनों कैसी हो गई? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब देखिए, पहला ऑप्शन 4 नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स गलत हो गया, 4 नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स ये रॉन्ग है बिल्कुल। 4 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं टेट्राड के अंदर, 2 सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल राइट है, 2 सेट्स ईच विथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो आप देख रहे हो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यहां शो कर रखे हैं, सेट है, प्लस यहां पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 2 क्रोमेटिड जो एक सेंट्रोमियर पर आपस में कनेक्टेड कंडीशन में है, तो इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। जबकि एक दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे ये कैसे हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? थर्ड, यानी कि 2 समजात गुणसूत्रों के जो 2 युग्म हैं उनके द्वारा, जिसमें प्रत्येक में 2 पुत्री अर्ध गुणसूत्र होते हैं, तो ये जो संरचना बनती है इसी को हम बोलते हैं टेट्राड कंडीशन, ठीक है। अब यहां हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 167 क्वेश्चन 169। तो यहां देखिए 169 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में इसमें से कौन सा सही है? पहला देखिए, इसमें इंटरवेनिंग सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन इट्स डीएनए, यानी कि इंटरवेनिंग सीक्वेंस से मतलब क्या हुआ? इंटरवेनिंग सीक्वेंस, जैसे अगर हम यूकेरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकेरियोटिक डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इंट्रॉन एंड एक्सॉन, ठीक है। तो ये जो इंट्रॉन होते हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जो यहां बीच बीच में
प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बैक्टीरियल डीएनए की बात करें तो इसमें इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो इस केस में ये कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट, बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट शो कॉइलिंग। अब यहां कॉइलिंग की बात कर रखा है, ठीक है, और कह रखा है डज नॉट शो, तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए को भी अगर हम देखें तो उसमें कॉइलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, इट्स क्रोमोसोम कंटेन सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ध्यान रखना यहां क्या दे दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ। यहां कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दे रखा है। नेक्स्ट 170, यहां देखिए, विच वन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से इसमें से कौन डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता। ध्यान रखना प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण की बात कर रखी है, तो अगर हम डीएनए से बात करें तो डीएनए से आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और आरएनए से आगे चलकर किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का, और प्रोटीन फॉर्मेशन की इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब यहां पूछा है कैन नॉट बी सिंथेसाइज डायरेक्टली एमआरएनए, आप देख रहे हो डीएनए से आरएनए बन रहा है, यहां तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं, चाहे वो एमआरएनए हो, टीआरएनए हो या आरआरएनए हो, तो इसमें ये तीनों डायरेक्ट बन रहे हैं लेकिन प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बन रही, इसलिए आंसर क्या आएगा, फोर्थ। आप देख रहे हो डीएनए से पहले आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन, तो इसका जो आंसर आएगा वो है फोर्थ, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट 171 क्वेश्चन, यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केएम। ध्यान रखना केएम के बारे में पूछा है, केएम के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। फर्स्ट देखिए, केएम इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ वी मैक्स, ठीक है, तो ध्यान रखना यहां अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट के बीच में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में यहां जो ग्राफ हमें मिलता है, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो एंजाइम यहां जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है या रेट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वी मैक्स, और जब इस वी मैक्स का हाफ, यानी कि जिसे हम बोलते हैं हाफ वी मैक्स, जब इस हाफ वी मैक्स से हम सबस्ट्रेट पर लाइन प्लॉट करते हैं तो जो पॉइंट यहां आता है सबस्ट्रेट पर उसी को हम बोलते हैं केएम। क्या बोलते हैं, केएम, तो बिल्कुल राइट है, केएम सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होती है जिस पर वेलोसिटी या रेट कैसा होता है, हाफ हो जाता है मैक्सिमम का, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, केएम इंडिकेट द एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद इट्स सबस्ट्रेट, बिल्कुल राइट है, यानी कि उसके क्रियाधार के साथ बंधुता को सूचित करता है, केएम की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही अधिक एफिनिटी होगी एंजाइम की उस सबस्ट्रेट के लिए, ये राइट स्टेटमेंट दे रखा है। थर्ड देखिए, केएम इज एमएम कांस्टेंट, एमएम का मतलब होता है माइकलिस मेंसन, माइकलिस मेंसन कांस्टेंट, तो ये भी राइट है। फोर्थ देखिए, केएम डिक्रीज ड्यूरिंग कंपिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। तो इसमें पूछा क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट ही ये फोर्थ इनकरेक्ट है, तो इसीलिए। अब देखिए, अगर कंपिटेटिव इनहिबिशन होगा तो इस केस में क्या होता है, केएम की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती बल्कि क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इस केस में ये कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रतिस्पर्धात्मक संबंध के दौरान केएम की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट 172 क्वेश्चन, तो यहां देखिए 172 में, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन इज कैटलाइज्ड बाय,
यानी कि इनिशिएशन किसके द्वारा कैटलाइज होगा, तो देखिए इधर हेलिकेज टोपो आइसोमर डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमेज, इसमें करेक्ट जो आंसर है वो है आरएनए प्राइमेज, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर चूंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस इनिशिएशन को स्टार्ट नहीं करा पाता, क्योंकि उसके लिए उसे ओएच ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए सबसे पहले जो एंजाइम आता है आरएनए प्राइमेज जो शॉर्ट आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, और इसी आरएनए प्राइमर का यूज करते हुए डीएनए पॉलीमरेज फिर फर्दर इस स्ट्रैंड को क्या करेगा, पॉलीमराइज करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया, आरएनए प्राइमेज जो इनिशिएशन करवाता है। नेक्स्ट 173, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक मटेरियल इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो इंफॉर्मेशन होती है उस स्ट्रैंड की जो इंफॉर्मेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो आरएनए के फॉर्म में ट्रांसक्राइब्ड हो जाती है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, ट्रांसक्रिप्शन। फोर्थ यानी कि अनुलेखन हिंदी में से बोलते हैं। नेक्स्ट 173 क्वेश्चन, तो द नेक्स्ट 174 सॉरी 174 देखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, फोटोफॉस्फोराइलेशन के मींस है लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है वहां अगर हम देखें उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है वो कैसी है, लाइट डिपेंडेंट है, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए O2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, O2 पर डिपेंड नहीं होती, तो ध्यान रखना ये लाइट डिपेंडेंट एंड O2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, तो प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के लिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो है फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 175 क्वेश्चन, देखिए इधर विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की यहां बात करें, ध्यान रखना ट्रू हमें देखना है, जो ट्रू ऑप्शन है उसकी हम बात करेंगे। 175 क्वेश्चन, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन के लिए हम देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इफेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स, यानी कि इसका जो प्रभाव होता है बसंतीकरण का उसको विपरीत नहीं किया जा सकता, ये गलत है, उसको हम विपरीत कर सकते हैं, यानी कि उसे विपरीत किया जा सकता है, तो ये कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड देखिए, स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय लीव्स, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि लीव्स जो होती हैं वो लाइट को परसेप्ट करने का काम करती हैं, तो ये रॉन्ग है। इट इंड्यूस अ प्लांट टू फ्लावर डायरेक्टली, यहां ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखिए, इट इज नेचुरल फिलोमिना ऑफ टेम्परेट रीजन, ये बिल्कुल राइट है, अगर टेम्परेट रीजन की हम बात करें तो वहां जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम रहता है, और इस लो टेम्परेचर की वजह से वहां नेचुरली वर्नेलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जो प्लांट्स है वो फ्लावरिंग कर देते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट 176, द ग्रोथ स्पीड ऑफ अ पॉपुलेशन कैन ऑफन बी डिस्क्राइब्ड विद द लॉजिस्टिक ग्रोथ, यहाँ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और लास्ट में यहाँ आपसे पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम नंबर को कौन डिटरमाइन करेगा, तो ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर एरिया में जब हम इक्विलिब्रियम नंबर या फिर जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसको जो बेसिकली डिटरमाइन करता है वो है कैरिंग कैपेसिटी उस एरिया की, कितनी कैपेसिटी को वो कैरी कर सकता है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसमें, सेकंड, ध्यान रखना, ठीक है, वहन क्षमता द्वारा। वन सेवेंटी सेवन,
यहाँ देखिए इन द फॉलोइंग पाई चार्ट, यहाँ एनसीईआरटी बेस आपको एक पाई चार्ट का डायग्राम दे रखा है और यहाँ ए बी सी मार्किंग आपको कर रखी है। तो अब देखिए अगर यहाँ देखे किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, वर्टिब्रेट्स का ये वर्टिब्रेट डायवर्सिटी का ये चार्ट यहाँ पाई डायग्राम आपको दे रखा है। तो देखिए इधर ये यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिश को, सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्फीबियंस को, ठीक है। और ये एम्फीबियंस के बाद अगर हम बात करें तो ये जो बी है वो बर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए फिश, बी बर्ड, सी एम्फीबियंस, आंसर थर्ड। नेक्स्ट 178, फाइंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पॉल्यूशन। ध्यान रखना वाटर पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑड, ध्यान रखना ऑड यानी कि जो इसके अपोजिट हो। पहला देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल सही है, इसी से रिलेटेड है। वाटर पॉल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड देखिए एसिड रेन, ये रॉन्ग है क्योंकि एसिड रेन किससे रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से। थर्ड देखिए यूट्रोफिकेशन, ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बिल्कुल ये भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एसिड रेन जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है 179 क्वेश्चन, अ स्क्रबर आर यूज्ड फॉर, यानी कि जो स्क्रबर होता है उसका यूज कहां होता है या किसके लिए हम उसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखना ये जो स्क्रबर होता है इसका यूज हम जो SO2 पॉल्यूशन होते हैं, गैसियस जो पॉल्यूशन है उसमें से स्पेशली SO2 पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रबर का यूज करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड। नेक्स्ट 180 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पोरोपोलेनिन, यानी कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है इस स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड कौन सा एक इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट है। तो देखिए पहला पोलेन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व ड्यू टू इट, बिल्कुल सही है। स्पोरोपोलेनिन की वजह से हम पोलेन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, संरक्षित करके या प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है लेकिन हमें इनकरेक्ट देखना है। सेकंड देखिए नो एंजाइम दैट डिग्रेडेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नाउन, बिल्कुल सही है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जिसको खोजा जा चुका हो या जो अभी हमें पता हो, तो ये स्टेटमेंट राइट है। एग्जाइन ऑफ पोलेन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये भी राइट स्टेटमेंट है क्योंकि अगर हम एग्जाइन की बात करें, पोलेन ग्रेन्स का जो आउटर कवरिंग या आउटर लेयर है एग्जाइन, उस एग्जाइन में कंपोजिशन क्या होता है अगर हम देखें, स्पोरोपोलेनिन। फोर्थ देखिए इट इज प्रोटीनेशियस, ध्यान रखना ये प्रोटीनेशियस नहीं होता बल्कि ये फैटी कंटेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन नहीं होता बल्कि क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है। तो इसीलिए आंसर क्या आ गया इसका, फोर्थ जो इनकरेक्ट यहां दे रखा है। नेक्स्ट 181, ये यहाँ एक फिगर आपको दे रखा है, एनसीईआरटी बेस है। इसमें अगर हम बात करें ये जो फिगर दे रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपी हाइड्रोफिली को, यानी कि इसमें क्या होता है ये जो वाटर सरफेस है इस वाटर सरफेस पर ही क्या होता है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन होता है। तो इस केस में यहाँ आप देख रहे हो द एबव फिगर शोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोफिली, ठीक है। तो इसमें आएगा फर्स्ट आंसर एपी हाइड्रोफिली क्योंकि ये सरफेस पर ही पॉलिनेशन यहाँ होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है। तो इस केस में आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट 182,
मेज, यहाँ दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, पहला देखिए ए नंबर, मेज कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट मे परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ मेज प्लांट की अगर हम बात करें तो मेज प्लांट में एक ही प्लांट के ऊपर क्या होता है, मेल फ्लावर होता है, एक ही प्लांट के ऊपर क्या होता है, फीमेल फ्लावर है, यानी कि सेम प्लांट के ऊपर होता है। इस केस में मेल पर से पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास, तो आप देख रहे हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन मे परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर हम जेनेटिकली बेस पर देखें तो ये कैसे हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन में आ गए, ठीक है, क्योंकि उसी प्लांट के मेल से पॉलन ग्रेन फीमेल पर गए, तो ये हो सकता है बिल्कुल। सेकंड देखिए, पपाया कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट मे नॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पपाया की अगर हम बात करें तो पपाया में एक प्लांट पर मेल फ्लावर होते हैं, दूसरे प्लांट पर कैसा होता है, फीमेल। तो आप देख रहे हो मेल और फीमेल अलग अलग हैं। इस केस में जब मेल से पॉलन ग्रेन फीमेल के पास जाएंगे तो यहां इसको हम जेनेटिकली बेस पर सेल्फ पॉलिनेशन कंसीडर नहीं कर सकते, और उसने भी बोल रखा है मे नॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये राइट है, यानी कि आंसर क्या आ गया, थर्ड, बोथ ए एंड बी आर राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कास्टर सीड कंटेन अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय आउट ग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट एट माइक्रोपाइल एंड विच इज। अब देखिए इधर, अगर हम कास्टर सीड की बात करें या अरंडी के बीज में, तो कैप नुमा संरचना होती है उसके बीजांड द्वार के पास में। जैसे मान लीजिए यहाँ कास्टर सीड का एक रफ डायग्राम में यहाँ शो कर रखा हूं, यहाँ मान ली माइक्रोपाइल रीजन है, तो यहाँ पर इस माइक्रोपाइल रीजन के पास में जो इंटेग्यूमेंट लेयर है वो क्या करते हैं, कुछ एक्सेसिव ग्रोथ कर जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ से ये जो पार्ट बना है इसको हम बोलते हैं कैरंकल, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट कैरंकल। नेक्स्ट 184, हाउ मैनी गिवन पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड एज एक्स प्लांट टू प्रोड्यूस वायरस फ्री न्यू प्लांट, ठीक है, ध्यान रखना, वायरस फ्री प्लांट अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट जो टिश्यू होता है वो मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम में भी अगर हम बात करें स्पेशली एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, तो ध्यान रखना एपिकल मेरिस्टेम इसमें आएगा, तो ए एपिकल मेरिस्टेम ये होगा, लेटरल मेरिस्टेम ऑफ डाइकोट प्लांट्स ये नहीं होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा क्योंकि ये भी एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, जाइलम ऑफ एनी प्लांट नो ये नहीं हो सकता, पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम इससे भी हम वायरस फ्री न्यू प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इस केस में आंसर जो हमारा आएगा वो है ए एंड सी, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट 185, स्ट्रेप्टोकाइनेज, अगर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें, ये एक एंजाइम है और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो ब्लड क्लॉट होता है उस ब्लड क्लॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज क्लॉट ब्लस्टर, क्लियर एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट जो हम यहां 186 देखिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड स्पेशली सीरियल्स, ठीक है, तो ध्यान रखना डिमांडिंग फूड स्पेशली सीरियल्स, तो अब इसमें हम आंसर देखें, इसमें आंसर आएगा फोर्थ, यानी कि अगर हम मीट के प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि जब ह्यूमंस ने जो ग्रेन्स से मीट की तरफ शिफ्ट किया तो इसकी वजह से क्या है, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि मीट के प्रोडक्शन के लिए जो सीरियल्स हैं, मीट कहां से मिलता है, जो जानवर हैं या हम ये कहें एनिमल्स हैं उनका मीट यूज करते हैं, एनिमल से मीट प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें ग्रेन ज्यादा देना पड़ता है और ग्रेन ज्यादा यूज होता है, तो इस केस में फूड भी डिमांड कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट, शाकाहार से मांसाहार में परिवर्तन। नेक्स्ट 187, द टाइप ऑफ फ्लावर्स
which always produce seeds even in the absence of pollinator, यानी कि pollinator की absence में भी ये seeds का production करते हैं। तो देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है, ये क्लोज फ्लावर हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, क्लोज बंद होते हैं। इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बहुत पास पास होते हैं और विदाउट एनी जो पॉलिनेटर की यूज में ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन इनके अंदर ही अंदर हो जाता है और एस्योर्ड सीड सेट्स का भी फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्लेस्टोगेमस या अनुन्मीलय पुष्प। नेक्स्ट जो हम यहां डिस्कस करेंगे 188, तो देखिए 188, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल बाय अ बैक्टीरियोफेज इज, यानी कि बैक्टीरियोफेज का यूज करके जब एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, यानी कि पारक्रमण, ध्यान रखना। 189, प्लाज्मिड यूज्ड टू मेक द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम, ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आइसोलेट किया था, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो इसके लिए जो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर दो साइंटिस्ट ले, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने के लिए जो आइसोलेट किया था प्लाज्मिड, वो कहां से किया था, बाय द बैक इन द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, तो ध्यान रखना साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया गया था। आंसर सेकंड, 190 में देखिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स रेफर टू, ये एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम। नेक्स्ट 191, इसमें देखिए, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द पीसीआर, पीसीआर के रिस्पेक्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए, पहला इट कैन प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, बिल्कुल राइट है, पीसीआर का नाम ही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये क्या करता है, डीएनए की कई सारी कॉपीज का फॉर्मेशन कर देता है, लेकिन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। सेकंड देखिए ऑप्शन, इट रिक्वायर टैग पॉलीमरेज, ये भी राइट है, पीसीआर में हम टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से हमें मिलता है। थर्ड देखिए, इट इज यूज इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ऑफ पैथोजेंस, ये भी राइट है, क्योंकि जब हम पैथोजेंस का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं उस टाइम पर डीएनए की कई सारी कॉपीज का फॉर्मेशन भी हम करते हैं, तो ये राइट है। इट इज नॉट यूज टू अर्लियर, ध्यान रखना नॉट यूज टू अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी, ये रॉन्ग है, क्लियर एनसीईआरटी में लिखा है, हमें अगर एचआईवी का अर्लियर स्टेज में अगर डायग्नोसिस करना है तो हम पीसीआर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, फोर्थ। नेक्स्ट 192, इन अ पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट ऑफ, यानी कि एक ग्रासलैंड या घास पारितंत्र है उसमें सबसे बड़ी संख्या समष्टि कौन किसकी होगी, तो देखिए इधर ये जो प्रोड्यूसर्स हैं लाइक जैसे ग्रासेस हैं तो नंबर ऑफ ग्रासेस या प्रोड्यूसर कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी। नेक्स्ट 193, देखिए इधर, जिब्रेलिन कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन, जिब्रेलिन बीज अंकुरण को कैसे प्रेरित करता है, तो देखिए इधर अगर हम जिब्रेलिन की बात करें तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है
ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करेगा, उस सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड है उस फूड को, जो हाइड्रोलिसिस है उसको बढ़ाएगा। कैसे? ये जिब्रेलिन सबसे पहले क्या करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जब लार्ज अमाउंट में बनते हैं, हाई अमाउंट में, और यही क्या करते हैं, स्टोर्ड फूड का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। और जैसे ही फूड अवेलेबल होता है तो सीड के अंदर जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइमों का निर्माण करके। ठीक है, 194, केमीओस्मोसिस रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ईटीएस डज नॉट रिक्वायर। अब ध्यान रखना, केमीओस्मोसिस के लिए इनमें से फॉलोइंग में से कोई एक रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर हम केमीओस्मोटिक थ्योरी की बात करें, इसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटोन पंप की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एटीपी तो केमीओस्मोटिक के बाद लास्ट में बनता है। ठीक है, अब प्रोटॉन ग्रेडियंट ये रिक्वायर्ड है, एटीपीज रिक्वायर्ड है, और पूछा क्या है, नॉट रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या आ गया अपना, सेकंड, एटीपी। तो ध्यान रखना, एटीपी बनता है, यूज नहीं होता। नेक्स्ट, 195, इन C4 प्लांट द CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल्स is carried out by the enzyme. अब देखिए, C4 plants में अगर हम देखें तो outer side mesophyll cells होती है, और mesophyll cell से अंदर की तरफ bundle sheath cells होती हैं। ठीक है, bundle sheath cells, यानी कि ये बाहर की तरफ क्या हो गया, mesophyll। अब ये जो mesophyll cell है, इस mesophyll cell में compound होता है PEP, phosphoenol pyruvate, और ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी कि पेपकेज। ठीक है, तो ध्यान रखना, और इसी के बाद क्या बनता है, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, PEP कार्बोक्सिलेज। Which of the following layer of another anther wall, layer of anther wall has deposition of alpha cellulose in radial and tangential walls and help in dehiscence of anther? अगर हम anther की layers की बात करें, सबसे outer side होती है epidermis layer, और epidermis layer के अंदर की तरफ जो layers present है वो है, ये हो गई epidermis, ये हो गया एंडोथीसियम। इस एंडोथीसियम की सेल्स की बात करें तो इनर रेडियल वॉल और प्लस इनर टेंजेंटियल वॉल पर क्या होता है, थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और इसी थिकनिंग की वजह से जो एंथर का डेहिसेंस है उसमें हेल्प होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड, एंडोथीसियम। 197 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 197 में ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वॉज अडॉप्टेड बाई। अब यहां बात किसकी कर रखी है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रिड्यूस से रिलेटेड कौन सा एग्रीमेंट हुआ था। तो ध्यान रखना, जब आप NCERT को पढ़ोगे तो उसमें क्लियर दे रखा है कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यानी कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका ये जो एग्रीमेंट जब हुआ था वो किसके लिए हुआ था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए, उसके इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा इसका, फोर्थ। 198, टेम्परेचर इज मोस्ट रेलिवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, Which option is not suitable for given statement? ठीक है, यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है, तापमान सर्वाधिक प्रासंगिक पारिस्थितिकी कारक है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, इधर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर अकॉर्डिंग द टेम्परेचर, बिल्कुल राइट है। अगर हम यहाँ बात करें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं जो ऑर्गेनिज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकंड देखिए, टेम्परेचर इफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, बिल्कुल राइट है। टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और जब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है, तो इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो भी क्या हो जाती हैं, उन पर भी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी राइट दे रखा है। फोर्थ देखिए, लोअर टेम्परेचर रेंजेस आर ऑप्टिमम फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए निम्न तापमान या लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और उसी में वो ग्रोथ करते हैं। रॉन्ग हो गया, लोअर टेम्परेचर नहीं होता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग ही बताना था। तो आंसर फोर्थ। नेक्स्ट 199, स्टैंडिंग क्रॉप इज, देखिए अगर हम स्टैंडिंग क्रॉप की बात करें, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जितना भी लिविंग कंटेंट वहां प्रेजेंट होता है, लिविंग मैटर, उस लिविंग बायोमास को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडिंग क्रॉप के लिए जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। सस्य फसल क्या है, इकाई क्षेत्र में एक निर्धारित समय पर जीवित जैव भार। टू हंड्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहां आपको फोर स्टेटमेंट जो दे रखे हैं उसमें से कौन सा एक ट्रू है। पहला देखिए, द सॉल्ट कंसेंट्रेशन इज 30-35 पार्ट्स पर 1000 इन ओसीन, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, आप देखिए अगर ओसीन के अंदर 30-35 पार्ट पर 1000 प्रेजेंट होता है। सेकंड देखिए, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अभी हमने बात की थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर, वही ऑर्गेनिज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये क्या पूछा है, इसमें ट्रू पूछा है। थर्ड देखिए, बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स टू सर्वाइवल इन फेवरेबल कंडीशन, रॉन्ग हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस टाइम पर थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी रॉन्ग था। फोर्थ देखिए, अडॉप्टेशन इज मियरली एन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ एन कम्युनिटी, यहाँ कम्युनिटी नहीं आता है, ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो अडॉप्टेशन है वो क्या होता है, वो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट है एक ऑर्गेनिज्म का, ना कि कम्युनिटी का, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो यहां हमने डंगल 13 का जो डिस्कशन है, पेपर सॉल्यूशन है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो यही, थैंक यू।